हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। सो एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट एन ईएसई। तो दोस्तों, अभी जो ऑनगोइंग सेशंस चल रहे हैं मेरे, ये वाइजेग स्टील का क्रैश कोर्स है, और इसमें मैं कई सारे सेशन ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो जो बच्चे पहली बार आज अटेंड कर रहे हैं, तो वो जान लें कि ये क्रैश कोर्स है फॉर द वाइजेग स्टील। और जिन बच्चों ने अभी तक कल का वीडियो नहीं देखा है, तो कल का वीडियो देख लें, क्योंकि कल भी मैंने मेटल कटिंग के ऊपर पढ़ाया था। पवन कुमार पटनायक, वेरी गुड इवनिंग। वेगी वरुण, वेरी गुड इवनिंग। अक्षय वानखेड़े, सो जुड़ जाइए सारे लोग फटाफट से। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि मेटल कटिंग के ही ऊपर है और डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, लेट्स क्रैक इट नाउ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा दोस्तों अपने बारे में। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन की स्लाइड है, बिल्कुल लिटिल इंट्रोडक्शन है मेरा दोस्तों। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो बता दूं दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव बाबू, और मैं पिछले कई सालों से गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, और कई सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों ट्रेन कर चुका हूँ, जो आज एक बेहतरीन मुकाम पर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर रहे हैं ईएसई के थ्रू और गेट के थ्रू। यस, इसके अलावा दोस्तों मैं कई सारे मोटिवेशन सेमिनार इंडिया में ले चुका हूँ, मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। यस, कई कॉलेजेस में अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर दोस्तों सेमिनार लेता हूँ मैं। गेट के एग्जाम को एक बार क्रैक कर चुका हूँ, पीएसयू को सर्व कर चुका हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो आप मुझे अन अकेडमी के इस लिंक पर फॉलो कर सकते हो, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, आपको कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है, या कोई भी परेशानी है, आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग बात करना चाहते हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यस, इस ईमेल का रिप्लाई मैं कर दूंगा, या आपको मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, तो आप मुझे इस कांटेक्ट नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। माय कांटेक्ट नंबर इज़ 9897104566। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, डायरेक्टली फ़ोन घुमाइए। इन केस मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, तो मैसेज छोड़ दीजिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं खुद ही कॉल बैक कर लूँगा। तो कौन कौन जुड़ चुका है एक बार देख लेते हैं हम लोग। यस, पवन पटनायक, मनीष ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग विक्रम जी, यमन आफले, बहुत बहुत नमस्कार, सबका स्वागत है एक बार फिर से। चलिए दोस्तों, नाउ अनअकेडमी लर्निंग ऐप। दोस्तों, अनअकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एज यू नो। ठीक है, तो फटाफट से मैं बता दूँ उसके बारे में। जो अभी क्लास आप देख रहे हो, या हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर जो क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अनअकेडमी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अनअकेडमी के ऐप पर जाके एक सेगमेंट और होता है, जिसको हम स्पेशल क्लास बोलते हैं। इस स्पेशल क्लास को भी आप देखना चालू करिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको फ्री में क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस को वहाँ पे जाके देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है, कई सारे सेशन मैं स्पेशल क्लास में ले चुका हूँ, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस में हम वो टॉपिक चूज़ करते हैं जो छोटा टॉपिक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक घंटे की स्पेशल क्लास होती है, और इसमें ऐसे टॉपिक को हम कवर करते हैं जनरली थोड़े से टफ माने जाते हैं, या बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, अगर आप वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बार स्पेशल क्लासेस को और देखिए। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यस, वहाँ पे स्पेशल क्लास पढ़ी होंगी, मेरा नाम सर्च मारिएगा अनअकैडमी के ऐप में जाके, गौरव बाबू, और स्पेशल क्लासेस को देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा पार्ट है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे भी दोस्तों हम लोग फ्री में क्लासेस आपको करवा रहे हैं, और चैनल का नाम है लेट्स क्रैक गेट एन ईएसई, जो कि अभी आप प्रेजेंटली देख रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट माई डियर फ्रेंड्स, वो बच्चे जिनको ये स्पेशल क्लास समझ में आती है, यूट्यूब की क्लासेस समझ में आती हैं, तो फिर अगर आप एक गेट के सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आई विल सजेस्ट कि फिर आप लोग प्लस ज्वाइन करिए। प्लस पे दोस्तों होती है असली पढ़ाई। यस, बिकॉज दिस इज़ द पेड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको पेड करना होता है और आपको प्लस पे आना होता है। वहाँ पे आपको डेडिकेटेड कोर्स मिलते हैं। क्या क्या फ़ायदा होता है प्लस का, वो बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों, अगर आप प्लस पे आते हो, आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन बाई यूजिंग माई कोड जीपीएस लाइव, ये मेरा कोड है जीपीएस लाइव। अगर आप मेरा कोड को यूज करके प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आपको क्या फ़ायदा होने वाले हैं? सबसे पहले आपको डेडिकेटेड कोर्स मिलेंगे फॉर द गेट ईएसई एंड पीएसयू, जो कि आपको स्पेशल क्लासेस में या फिर यूट्यूब की क्लासेस में नहीं मिलते हैं। मतलब डेडिकेशन के साथ कोर्स चलता है, एक गो में एक सब्जेक्ट खत्म होता है। जैसे प्रोडक्शन होगा पहले खत्म, फिर सॉम होगा, फिर एफएम होगा, इस तरह से वन गो में बिल्कुल कोचिंग की तरह क्लासेस चलती है। ठीक, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी विद द फील ऑफ द क्लासरूम स्टडी। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि क्लासरूम में पढ़ रहे हो, क्योंकि सारे पेड सब्सक्राइबर होंगे, अर्जी फर्जी की कोई बातें नहीं होती उसमें, केवल और केवल गेट और ईएस रिलेटेड बातें होती हैं, और बच्चों का कोर्स एक टाइम के साथ चलता रहता है। यमन आफले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी वजह से क्लासेस को मिस कर देते हो, इफ़ द क्लासेज आर मिस, देन यू कैन वॉच देम लेटर, आप उनको बाद में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कॉलेज का सेमिनार आ गया, या आपकी कॉलेज की वजह से क्लास छूट गई, या आप
जॉब गोअर हो, जॉब पे जाने की वजह से आपकी कोई क्लास मिस हो जा रही है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो क्लास एज इट इज सेव हो जाएगी और उस क्लास को आप बाद में देख सकते हो, जो कि किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपका समय बचता है। क्यों बचता है समय? क्योंकि आपको कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है कि आपको कोचिंग क्लास अटेंड करने के लिए बाहर जाना है, तो ऑब्वियसली बात है समय बचेगा आपका। इसके अलावा पैसा भी बचता है दोस्तों। पैसा इसलिए बचता है क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, जो ऑफलाइन कोचिंग इंडिया भर में चल रही है दोस्तों, 40,000 से लेके 80-90 हज़ार तक की वहाँ पर फीस हो सकती है, ठीक है, किसी भी एक अच्छे कोचिंग के अंदर। और प्लस वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग करके जाना पड़ेगा, यस, काफ़ी सारी दिक्कत है। तो कुल मिला के यहाँ पे मनी सेविंग हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में कि जो इस एक साल के कोर्स के लिए आप 40 से 80-90 हज़ार तक खर्च करते हो, वही एक साल का कोर्स आपको यहाँ पे 22,000 के आसपास मिलता है, ठीक है फ्रेंड। वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, बिकॉज इंडिया के इसके टॉप एजुकेटर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हो तो यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो दोस्तों मैं हर एक वीक के बाद टेस्ट लेता हूँ प्लस के क्लासेस में। आप पूछ सकते हैं जो बच्चे प्लस के सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा कोई भी मॉड्यूल खत्म होता है तो फिर मैं मेगा टेस्ट अलग से लेता हूँ, जिसको मेगा क्विज बोलते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अलग से आपको मिलेगी इसी GPS लाइव कोड में। आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना, अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी GPS लाइव कोड को डालते हैं, 3 टेस्ट आपके हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे कल से मैं ऐड कर लूँगा एक पर्सनल टेस्ट अलग से लेता हूँ मैं, ठीक है, जो हर एक मॉड्यूल के बाद होता है। पहले वीकली टेस्ट विद इन द मॉड्यूल होगा, जिस दिन मॉड्यूल खत्म हो जाएगा उसके बाद मेगा क्विज लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेल्डिंग पढ़ाया तो वेल्डिंग के अंदर करीब 20 क्लासेस थी, 20 क्लासेस का मतलब 3 वीकेंड वो क्लासेस चली, 3 वीक क्लास चली वो, तो 3 वीक में 2 वीक तो ये वाली क्लास हो गई, ये वाला टेस्ट हो गया, फिर एक मेगा टेस्ट हुआ, और मेगा टेस्ट के बाद मैं 7 दिन का फिर से वक्त देता हूँ आपको, फिर एक पर्सनल टेस्ट अलग से लेता हूँ। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, मतलब 4 तरीके से आपको टेस्ट देने होंगे हर मॉड्यूल के साथ। तो कैन यू इमेजिन, कम से कम 40-50 मॉड्यूल, 40 मॉड्यूल होंगे मेरे, 40 मॉड्यूल में कैन यू इमेजिन कितने टेस्ट आप देंगे पूरे साल भर के अंदर। तो डेफिनेटली अगर आप इतने टेस्ट देकर बेटा पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ोगे 110%। नाउ इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हो GPS लाइव, तो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, मैं आपको अपने ग्रुप में भी ऐड करूंगा, तो आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो 24/7। मतलब आपको कोई भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, आप फ़ौरन फ़ोन घुमाइए और मुझसे बात कर लीजिए। इसके अलावा पर्सनल फोकस रहेगा, क्योंकि आप मेरा कोड डाल के आ रहे हो तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई मैं अपने स्टूडेंट का ख्याल रखूँ। तो डेफिनेटली एक पर्सनल फोकस मैं अपने हर बच्चे पर रखता हूँ, उनसे आए दिन मेरी बात होती रहती है कि भाई कितना कोर्स उनका हो चुका है, क्या स्ट्रेटजी उनकी चल रही है, तो वो सारी स्ट्रेटजी आपको यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बी द पार्ट ऑफ माई पर्सनल गाइडेंस, कोई भी दिक्कत आती है मैं फ़ौरन पूछ लीजिए उन बच्चों से जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही किसी को कोई दिक्कत आती है मैं खुद ही डायरेक्ट कॉल लगा लेता हूँ, वो बच्चे खुद ही कोई टेस्ट, जहाँ मान लो कोई उनको प्रॉब्लम आई, वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देते हैं, मैं खुद ही रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के हिस्से रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एज यू नो आई एम द मोटिवेशन स्पीकर, तो मोटिवेशन की कमी बिल्कुल नहीं होने दूंगा आपके अंदर में, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, आपके अंदर आग जला के रखूंगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। और मेरी एक पंच लाइन भी है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको फिर से दोबारा, कि मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा वो आग जला के रखूँगा आपके अंदर में, जिससे कि आप ठंडे ना पड़े और जब तक ना रुकें जब तक आपके हाथ में किसी PSU का या किसी गवर्नमेंट जॉब का कॉल लेटर ना हो, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी स्लाइड में समझाई हैं आपको, ये सब कुछ आपका हो सकता है जस्ट एंड जस्ट 25,000 रुपीज़ में या 30,000 रुपीज़ में। यस, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की जो फी अनअकैडमी ने रखी है वो 25,000 रखी है, और दोस्तों 2 साल का सब्सक्रिप्शन फॉर द थर्ड ईयर एंड द फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उनके लिए और भी सस्ता पड़ेगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 30,000 का दोस्तों। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और है, अगर आप इन दोनों सब्सक्रिप्शन को चूज करते हो और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो GPS लाइव, यस, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो GPS लाइव बिफोर मेकिंग द पेमेंट, तो आपको हर सब्सक्रिप्शन पे, चाहे वो 25,000 वाला हो चाहे 30,000 वाला हो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 25,000 वाले के लिए पे करने होंगे 22,500 रुपये, 2,500 का डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप ये वाला लेते हो तो आपको पे करने होंगे 27,000 रुपये फॉर 2 ईयर प्रोग्राम। दोस्तों 27,000 को 24 से डिवाइड करके कभी देखिएगा तो इट विल बी कमिंग आउट 1,125, 1,125 रुपये पर मंथ में आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को पढ़ने वाले हो, और कॉमन स्टडी आपको मिलने वाली है, आपको अलग से फीस नहीं देनी है, गेट प्लस ESE कम्बाइंड, जो कि इंडिया में फिलहाल कहीं भी नहीं है। आप अपने प्रीलिम्स पेपर की तैयारी करिए, आप GS पढ़िए, आप मैथमेटिक्स पढ़िए, एप्टीट्यूड पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़िए एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, आप JEE के लिए पढ़िए, आप AE के लिए पढ़िए, आप PSUs के लिए पढ़िए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। कितने रुपए में? 22,500 में फॉर 1 ईयर, और 27,000 में फॉर 2 ईयर।
स्मार्ट चॉइस क्या होगी दोस्तों, 22,500 अगर पे करते हो तो मिलेगा 1 ईयर, 4,500 एक्स्ट्रा पे किए हो गए 27,000, 27,000 में मिलेगा आपको 2 ईयर। स्मार्ट चॉइस कौन सी है? सेकंड वाली। कैसे? अगर आप 22,500 पे कर रहे हो तो बेटा 4,500 एक्स्ट्रा पे करके आपको 1 साल फ्री मिल रहा है। एक तरह से 4,500 में आपको 1 साल फ्री मिल रही है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप जस्ट पास आउट हैं या थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो गो फॉर द 24 मंथ, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों कई बार हमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पेपर देने पड़ते हैं। कई बार मान लो नहीं निकला एक अटेम्प्ट में पेपर, तो आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, तो क्या आप दोबारा फीस दोगे? नहीं। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप 24 मंथ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने बता दिया है, करना आपको है। कोई दिक्कत है डायरेक्टली फ़ोन घुमाइए, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सर मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तमाम तरह की बातें बच्चे करते हैं कई बार देखता हूँ मैं। तो बेटा अपने दिमाग में टेंशन लेने से बेहतर ये है कि फ़ोन घुमाइए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, नंबर है मेरा 9897104566, फ़ोन घुमाइए और डायरेक्टली बात करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तो जुड़ जाइए फटाफट से सारे लोग। काफ़ी लोग आ चुके हैं, यमन आफले बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रजरंगी कुमार, पवन कुमार पटनायक, चलिए पवन कुमार पटनायक बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके कमेंट के लिए। चलिए दोस्तों, तो कल तक हम लोग पढ़ रहे थे मेटल कटिंग, और मैंने बोला था कि बचे हुए पार्ट को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास भी हो सकता है 2 घंटे के आसपास या 2 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, तो दिल थाम के बैठे रहिए और जुड़ जाइए फटाफट से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, दैट इज़ द अन अकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे मेटल कटिंग। माइंड इट प्लीज, दिमाग में एक चीज रखिएगा, स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ दोस्तों, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं साहब ये वाला क्वेश्चन तो हमसे हुआ नहीं गेट का क्वेश्चन, बट हाँ नो डाउट जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे आपके गेट के क्वेश्चन भी लग जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे टूल के फेलियर के बारे में, टूल के फेलियर के बारे में। इस पर दोस्तों क्वेश्चन बनता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ मैं इतना पार्ट आपको करा दूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन बने तो आपका सॉल्व हो जाए। टूल फेलियर, तो दोस्तों टूल के फेलियर की बात करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड। तो टूल का फेलियर क्या होता है समझिए, टूल का फेलियर बेसिकली 2 तरह से होता है। कितनी तरह से? 2 तरह से। एक होता है टूल की सडन डेथ। कैसी डेथ? सडन, सडन डेथ। आपको ये क्या मतलब है साहब? वो क्या इंसान हो रहा है टूल जो डेथ हो जाएगी उसकी? बिल्कुल डेथ हो जाएगी भाई साहब, फेलियर का मतलब है डेथ, ठीक है। डेथ, डेथ का मतलब यहाँ पे फेलियर, मतलब कैसे होगा बताता हूँ अभी। या तो टूल सडनली फेल हो जाएगा या फिर टूल ग्रेजुअली फेल करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्लो डेथ, ठीक है। तो टूल 2 तरह से फेल करता है, या तो वो सडनली टूट जाता है, सडनली ब्रेक कर जाता है, या फिर वो स्लोली 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 डेथ करता है, ठीक है। नाउ सडन डेथ क्या है दोस्तों? ये सबसे पहली चीज, ये बार बार नहीं होती, ये बहुत कभी कभी देखने को मिलती है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि साहब ये हमेशा टूल सडनली मर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सडनली मर जाता है, इसका मतलब है ये जो डेथ है रेयर केस है। जैसे कि मैं बात करूं हम लोग इंसानों की जो मौत होती है उसकी बात करें, तो क्या सारे के सारे हार्ट अटैक से मरते हैं क्या? नहीं ना। तो सडन डेथ इज द काइंड ऑफ द हार्ट अटैक, सडन डेथ इज द काइंड ऑफ द हार्ट अटैक फॉर द कटिंग टूल, ठीक है। तो सडन डेथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों एक आदमी अच्छा वाला खड़ा हुआ, अचानक से अटैक आया, मर गया, तो ये सडन डेथ है। तो ऐसे ही टूल, टूल को हमने मशीन के टूल पोस्ट में फिक्स किया और वो कटिंग करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, हमने बिल्कुल नया नया टूल लगाया है, लेकिन अचानक से वो ब्रेक हो गया। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सडन डेथ, हमने जस्ट टूल को टूल होल्डर में लगाया, बिल्कुल नया टूल हमने उठाया कटिंग करने के लिए, और उसने कटिंग करना चालू किया, सी गर्बुली ये हो गया वर्क पीस, और हमने बिल्कुल फ्रेश टूल लगाया है यहाँ पे मशीन टूल के अंदर, ये हमने एक बिल्कुल फ्रेश कटिंग टूल यहाँ पे लगाया है, और हम सोच रहे हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग करेगा, मतलब ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंचेगा, क्योंकि नया नया टूल है, बहुत बड़ी बात नहीं, भी आराम से कटिंग कर देगा और इस तरह के 10 कंपोनेंट ये काट सकता है। लेकिन क्या हुआ, चलते 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 ये यहां से चला 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 चला, और यहां आके इसकी कटिंग एज ब्रेक कर गई, यानी कि ये बी तक पहुंच भी नहीं पाया। ऐसी ऐसे फेलियर को बोलते हैं सडन डेथ, ऐसे फेलियर को बोलते हैं सडन डेथ, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड द प्री मैच्योर एंड, प्री मैच्योर एंड
ऑफ कटिंग टूल, दिस द प्री मैच्योर एंड। मतलब हम ये सोच के चल रहे हैं कि भाई अभी तो नया नया टूल बनाया हमने, अभी तो टूल लगाया लगाया नया नया, ये तो बहुत सारी कटिंग करेगा, लेकिन वो सडनली ब्रेक हो गया, बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे इंसान को आता। हम तो सोचते कि अच्छा खासा इंसान है था, अचानक से मर गया। तो ऐसे डेथ को, ऐसे फेलियर को बोलते हैं सडन डेथ टाइप टूल फेलियर, जो कि रेयर होता है बेटा, हमेशा नहीं होता। ये कब होता है? जब हमने टूल की डिजाइनिंग, टूल की स्ट्रेंथ को, उसकी डिजाइनिंग की जो होती है उसको ढंग से नहीं किया है, मतलब प्रॉपर पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया है। जहां टूल यूज करना चाहिए था थोड़े अच्छी स्ट्रेंथ का, वहां हमने कम स्ट्रेंथ का टूल यूज कर लिया, वहां पे ऐसा हो सकता है। मतलब जब हम इम्प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ टूल करते हैं तब ऐसा होता है। अब दोस्तों एक चीज और समझिए, एक चीज में समझना बहुत आवश्यक है। आई होप कि इतना पार्ट समझ में आ गया होगा आपके कि सडन डेथ का मतलब क्या है। सडन डेथ का यहाँ पे मतलब है कि हमने टूल को जो टूल होता है उसको हमने मशीन के टूल होल्डर में लगाया और मशीनिंग करना चालू किया, और सडनली टूल ब्रेक हो गया। ठीक है, सडनली टूल ब्रेक हो गया, जबकि हम सोच रहे थे कि ये तो अभी और कटिंग करेगा। तो ऐसे डेथ को बोलते हैं सडन डेथ, ये बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह है। तो दोस्तों जिस तरह से हार्ट अटैक को डिटरमाइन करना हमें नहीं पता कि वो कब आएगा, उसी तरह से हम नहीं बता सकते कि सडन डेथ ऑफ टूल कब होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, सो एक बात और याद रखनी है इसमें, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हेन दिस टाइप ऑफ फेलियर विल अकर, व्हेन दिस टाइप ऑफ फेलियर विल अकर। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम तो सोच के बैठे कि टूल अभी कटिंग करेगा, लेकिन अचानक से टूट गया वो, तो ऑब्वियस सी बात है क्या इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, हम लोग नहीं पता लगा सकते कि क्या हुआ है और कब होगा ये। पहली बात तो ये कब होगा हम नहीं बता सकते, और कैसे होगा ये भी नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि पहले हमें उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए एक इंसान खड़ा हुआ है, सडनली उस वो खड़े खड़े नीचे गिर पड़ा और उसकी डेथ हो गई, तो क्या बता पाएंगे डेथ किस वजह से हुई है? हो सकता है उसको उसके दिमाग की नस फट गई हो सकता है उसको दिल का दौरा आया हो, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, हो सकता है कोई और रीजन रहा हो, सकता है वो घर से जहर खा के आया हो, तो वो बात हमें कब पता चलेंगी? पोस्टमार्टम के बाद। अरे गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह से जब भी सडन डेथ होती है टूल की, तो पहली चीज लाइन को पढ़िए, रेड वाली लाइन को, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि व्हेन दिस टाइप ऑफ फेलियर विल अकर। मतलब सबसे पहली चीज तो ये कब होगा हम नहीं बता सकते, और अगर होगा तो किस कारण से होगा ये हम नहीं बता सकते। उसके लिए मैम उसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, हो सकता है सीगरफुली टूल फेलियर मैकेनिज्म में इंक्लूड, टूल फेलियर मैकेनिज्म में इंक्लूड, टूल फेलियर मैकेनिज्म में इंक्लूड व्हाट? हो सकता है टूल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से फेल हुआ हो, हो सकता है फटीग फेलियर हो गया हो सकता है ब्रिटल फ्रैक्चर हो गया हो, या हो सकता है एज चिपिंग से कुल मिला के मतलब है एक तरह से धीरे धीरे एज का टूट जाना, बिखर जाना, कि कटिंग एज ही धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, टूट गई। तो दोस्तों अब मैं ये क्या क्या मैंने लिखवाया समझा देता हूँ। सडन डेथ पहली चीज रेयर होती है, इसका मतलब क्या है? प्री मैच्योर एंड ऑफ द कटिंग टूल, मतलब कटिंग टूल अपनी जिंदगी जीने से पहले ही मर जाएगा, अभी जस्ट जवान हुआ है और मर गया। ठीक है, मतलब कटिंग कर भी नहीं पाया और भगवान को प्यारा हो गया। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ये कब होगा हम कुछ नहीं कह सकते दोस्त, और अगर ये होगा तो इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैकेनिज्म मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो टूल फेलियर मैकेनिज्म में इंक्लूड, बेटा इस पर क्वेश्चन बनते हैं प्लीज, कई बार ये क्वेश्चन ईएससी के लेवल पर आया है कि सडन डेथ टाइप ऑफ टूल फेलियर में क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है, या फटीग फ्रैक्चर हो सकता है उसका, फटीग फेलियर, या ब्रिटल फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर एज चिपिंग, एज चिपिंग का मतलब धीरे धीरे एज का टूट जाना। तो इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? रिप्लाई करो भाई। बहुत बढ़िया,
तो ये दोस्तों, ये जो सडन डेथ है ये मतलब बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका हम एनालिसिस में ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। ये बेसिकली तभी हो सकती है जब हमने कोई अच्छी डिजाइनिंग नहीं करी है, जहाँ टूल यूज करना चाहिए था अच्छी स्ट्रेंथ का, वहाँ हमने बेकार स्ट्रेंथ का टूल यूज कर दिया, या मशीनिंग पैरामीटर को कुल मिला के फॉलो नहीं किया, तब जाके इस तरह का सडन डेथ देखने को मिलता है। ना वॉट इज द स्लो डेथ, वॉट इज द स्लो डेथ, स्लो डेथ क्या है? स्लो डेथ है बिल्कुल मतलब जो वाकई में टूल फेलियर करता है धीरे धीरे घिसाई होने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये है टूल की घिसाई होना, टूल का एब्रेजन होना, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लो डेथ हियर? स्लो डेथ का मतलब है ग्रेजुअल वियरिंग, ग्रेजुअल वियरिंग, धीरे 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 धीरे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हो कटिंग टूल वर्क पीस के अगेंस्ट मोशन करता है, वर्क पीस के अगेंस्ट सरकता है, तो जब वो सरकेगा वर्क पीस के अगेंस्ट तो फ्रिक्शन होगा, धीरे 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 वो घिसने लगेगा, घिसाई हो के धीरे 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 उसकी कटिंग एजेस, उसके सरफेसेस खराब हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल वियरिंग, मतलब धीरे धीरे उसकी घिसाई होना। तो स्लो डेथ का मतलब क्या है? धीरे 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 उसका वियर होना। एम आई क्लियर? तो दोस्तों ये होता है, इस पर दोस्तों नो डाउट क्वेश्चंस भी बनते हैं स्लो डेथ के ऊपर, और ये इस पर हम एनालिसिस भी करते हैं। बट अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि बस हमें इसको अपने वाइजर स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं स्लो डेथ, ठीक है। तो स्लो डेथ इज नथिंग, इट इज द ग्रेजुअल वेयरिंग, ठीक है। स्लो डेथ क्या है? इट इज द ग्रेजुअल वेयरिंग, स्लो डेथ टाइप टूल फेलियर। अब ये स्लो डेथ टाइप टूल फेलियर अगेन दोस्तों दो तरीके का होता है। यस, जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्रेजुअल वियर है, तो ये वियर दो तरह से होता है, ये कुछ और नहीं है, दिस इज द ग्रेजुअल वियर, टूल का ग्रेजुअली धीरे धीरे घिसना। तो ये ग्रेजुअल वियर दोस्तों दो तरीके से होता है, एक को हम बोलते हैं फ्लैंक वियर, कौन सा वियर? फ्लैंक वियर, और एक होता है क्रेटर वियर, कौन सा वियर? क्रेटर वियर, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है फ्लैंक वियर, एक होता है क्रेटर वियर, सिंपल, ठीक। तो ये दो वियर होते हैं। अब ये क्या क्या है समझ लो जरा, नाम बता रहा चीख चीख के, फ्लैंक वियर यानी कि ये वो वियर है जो फ्लैंक फेसिस पे होगा, कौन से फेसिस पे? फ्लैंक फेसिस पे। फ्लैंक वियर का मतलब वो वियर जो फ्लैंक के फ्लैंक फेसिस पे होगा। यस, और क्रेटर वियर होता है रेक सरफेस पे, इतना ध्यान रखना। अब दोस्तों यहां से स्टार्ट हो रहा सारा खेल, यहां से आपका वाइजेक के क्वेश्चन बनना चालू होंगे। तो पूछेगा फ्लैंक वियर कहाँ होता है, तो फ्लैंक फेसिस पे होता है। फ्लैंक फेसिस कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है साइड फ्लैंक, कल पढ़ाया था मैंने, याद करिए, एक होता है एंड फ्लैंक। क्या पढ़ाया था कल मैंने? टूल इन एंड सिस्टम, याद आ रहा है? हाँ भैया, सोम में भी ग्रेजुअल लोड होता है विक्रम जी, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये होगा फ्लैंक वियर, फ्लैंक सरफेसेस पे यानी कि साइड फ्लैंक पे, एंड फ्लैंक पे, और क्रेटर वियर होता है रेक सरफेस पे। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनना, आप यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना चालू हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए अपने नोट्स बनाते जाइए, नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, ठीक। तो दोस्तों कल मैंने डायग्राम बनाया था, याद करिए, ठीक है, टूल इन हैंड सिस्टम, एक बार फिर से बना देता हूँ जल्दी से 2 मिनट के अंदर। देखिए दोस्तों फ्लैंक वियर में क्या क्या होता है, ये डायग्राम के थ्रू भी पूछा जाता है बेटा कई बार।
तो ये आपका रेक सरफेस है, रेक सरफेस पे इस जगह पे क्रेटर वियर होता है, धीरे धीरे ये सरफेस यहाँ से इसमें घिसाई होके गड्ढा बन जाता है। तो ये जो वियर है, ये जो रेड वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ, ये कुछ और नहीं है, मैं इमेजिन करिए कि रेक सरफेस में गड्ढा बन गया थोड़ा सा, ठीक है, ये रेक सरफेस में गड्ढा बन गया है। तो ये जो है, दिस इज द क्रेटर वियर, क्रेटर वियर, ठीक। और ये मैंने कल पढ़ाया था, ये क्या है, साइड फ्लैंक, और इधर ये है एंड फ्लैंक, एंड फ्लैंक, और ये होती है टूल की नोज, ठीक है, बताया था कल मैंने, दिस द नोज ऑफ द टूल। तो दोस्तों जब कटिंग होती है, जब कटिंग होती है, जब कटिंग होती है, तो ये नोज वाला पार्ट यानी कि टिप होती है, ये टिप वर्क पीस से टच होती है, तो इतना हिस्सा, सी केयरफुली, ये हिस्सा और थोड़ा सा साइड कटिंग एज का हिस्सा वर्क पीस के अंदर घिसते हुए चलता है, पेनिट्रेट करते हुए चलता है वर्क पीस के साथ, मतलब वर्क पीस के अंदर एकदम घिसाई होते हुए इसकी चलती है। तो इतना पोर्शन, ये जो अब मैं ग्रीन वाला पार्ट बना रहा हूँ, सी केयरफुली, ये वाला पार्ट भी जो है खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये जो वियर हो रहा है, दिस इज द फ्लैंक वियर, इसको बोलते हैं फ्लैंक वियर, कौन सा वियर, फ्लैंक वियर, दिस इज द फ्लैंक वियर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्लैंक वियर में क्या क्या चीज़ें खराब हुई, देखिए दोस्तों, टूल की नोज खराब हो गई, सबसे पहली चीज़ नोज घिस गई पूरा, थोड़ा सा पार्ट कट साइड कटिंग एज का घिस गया, और थोड़ा सा पार्ट एंड कटिंग एज का घिस गया, इसके अलावा ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये साइड फ्लैंक का पार्ट है, ये घिस गया, और इधर वाला पार्ट एंड फ्लैंक का पार्ट है, ये घिस गया। यानी कि फ्लैंक वियर जब होता है तो क्या क्या चीज़ खराब होती है, फ्लैंक वियर जब होता है तो साइड फ्लैंक खराब होता है, एंड फ्लैंक खराब होता है, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, यस, इसके अलावा नोज खराब हो जाती है, नोज पूरी मतलब वहां से घिस जाती है, और इसके अलावा साइड कटिंग एज ब्लंट हो जाती है, और एंड कटिंग एज का थोड़ा सा पार्ट ब्लंट हो जाता है। यानी पांच चीजें फ्लैंक वियर में एक तरह से खराब होती हैं, समझ गए दोस्तों। काइंडली रिप्लाई करिए, रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा बेटा, रिप्लाई चाहिए मुझे आप लोगों का, देखिए आप लोगों के लिए हूँ मैं यहाँ पे, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो बेटा वो मुझे रिप्लाई से पता चलेगा। तो काइंडली यस और नो में रिप्लाई करते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। बहुत बढ़िया, तो ये सब पॉइंट लिखते जाइएगा बेटा, कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, पीएसयू में कुछ नहीं कह सकते हम, इसलिए कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बनते हैं ईएस के पेपर उठा के देखिए, अब इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कि जब क्रेटर वियर होता है तो क्या होता है, फ्लैंक वियर होता है तो कौन कौन सा पार्ट डैमेज होता है, पूछता है वो, तो नोज खराब हो जाती है, साइड फ्लैंक खराब हो जाता है, एंड फ्लैंक खराब हो जाता है, ये सब चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब दोस्तों इसी व्यू को, ये जो व्यू होता है ना आप अभी देख रहे हैं, इसको जब हम साइड से देखें ना, यहाँ से साइड व्यू, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ बनाता हूँ या फिर यहाँ बनाता हूँ, यही चीज़ साइड व्यू से ऐसी दिखाई देती है दोस्तों, सी केयरफुली, तो ये ऐसा दिखता है दोस्तों, और ये व्यू आपको YouTube पर दिखाऊंगा बाकायदा मैं बिल्कुल तरीके से एकदम। दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये जो देख रहे हैं ना अब, ये जो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ये मैं आपको एंगल भी दिखा दूंगा थोड़ा सा, ये कुछ और नहीं है, ये रेक सरफेस है, ये जिस पर मेरा पेन चल रहा है, ये रेक सरफेस है, और ये कुछ और नहीं है, ये यहाँ पर एंड फ्लैंक होता है इधर, ठीक है, और ये आपका एंड रिलीफ एंगल बनता है यहाँ पर, ये एंगल मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, रेक एंगल होता है अल्फा, बैक रेक एंगल, और ये कुछ और नहीं है, ये एंड रिलीफ एंगल होता है जो कल मैंने पढ़ाया था, गामा ई, ठीक। तो दोस्तों जब कटिंग होती है, तो जब घिसाई होती है यानी ग्रेजुअल जब वियर होता है, तो देखिए क्रेटर वियर यहाँ पे बनता है कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस पे, इस जगह पे रेक सरफेस इधर से खराब होती है लाइक दिस, गड्ढा यहाँ पे बनता है, ठीक है, और ये टिप है, ये टिप होती है, ये दिस द टिप ऑफ द टूल, तो टिप और फ्लैंक वियर पूरा खराब हो जाता है इतने हिस्से में। तो ये भी बेटा डायग्राम आपको शो कर रहा है, दो वियर को दिखा रहा है, ये आपका जो रेड वाला हिस्सा जो मैं बना रहा हूँ इधर, ये है फ्लैंक वियर, और ये है क्रेटर वियर,
याद रखेंगे ये कौन सा सरफेस है दोस्तों, रेक सरफेस है ये, दिस इज द रेक सरफेस। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ लीजिए दोस्तों। एक डायग्राम और मैंने सिखाया था आपको कल ही, आई थिंक बनाया था, याद करिए ये वाला डायग्राम। और मैंने बोला था यही डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लाइक दिस। याद आ रहा है ये वाला डायग्राम? सबको याद होगा, पढ़ाया था कल मैंने। अरे हरीश जांगड़ा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की स्टडी क्यों नहीं की जाती? किसने बोला नहीं की जाती? बिल्कुल करी जाती है, 100 बार करी जाती है। किसने बोली ये बात आपसे? हु टोल्ड यू कि नहीं करी जाती? चलिए देखिए, ये डायग्राम कल हमने पढ़ा था। अब इसमें फिलहाल वर्क पीस से मुझे कोई मतलब नहीं, हटा दो वर्क पीस को, और मुझे चिप से भी कोई मतलब नहीं, इसको भी हटा दो। तो बचा क्या? ये टूल बचा, क्योंकि हम टूल के फेलियर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जब वियर होता है रेक सरफेस का, तो दोस्तों रेक सरफेस पर ये सारे डायग्राम आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ताकि कल को आप फंसे ना कहीं भी। ये रेक सरफेस ही तो याद करिए, कल पढ़ा था हमने, दिस द रेक सरफेस। तो कई सारे व्यू हो सकते हैं मेटल कटिंग को देखने के। तो दोस्तों यहाँ पे जो वियर बनेगा क्या हो जाएगा, ये दिस इज द क्रेटर वियर, ये क्योंकि ये रेक सरफेस है यार, दिस इज द रेक सरफेस एंड दिस इज द क्रेटर वियर। नाउ अब दोस्तों बात करते हैं कि ये आते क्यों है, क्यों होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फ्लैंक वियर की, रीजन फॉर फ्लैंक वियर, रीजंस फॉर फ्लैंक वियर। रीजन फॉर फ्लैंक वियर, देखिए दोस्तों सबसे पहले जी आपको ये समझनी होगी, द वेरी फर्स्ट, फ्लैंक वियर प्री डोमिनेट्स होता है, प्री डोमिनेट्स प्री डोमिनेट्स अंडर लो स्पीड मशीनिंग, अंडर लो स्पीड मशीनिंग। ये क्वेश्चन बनता है कि अगर लो स्पीड मशीनिंग है तो कौन सा वियर पहले आएगा? अगर आप स्लो स्पीड मशीनिंग करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, स्लो स्पीड मशीनिंग में है फ्लैंक वियर ज्यादा आता है, क्रेटर वियर कम आता है स्लो स्पीड मशीनिंग में। यानी कि आता क्रेटर वियर भी है लेकिन उसका अमाउंट कम होता है, लेकिन फ्लैंक वियर ज्यादा डोमिनेट करता है। क्यों ज्यादा डोमिनेट करता है बताऊंगा आपको अभी, बस इतना याद रखना है कि लो स्पीड में फ्लैंक वियर डोमिनेट करेगा। क्यों करेगा? एक तो उसका सबसे बड़ा कारण ये समझिए कि कल भी हमने कुछ स्पीड से रिलेटेड बात करी थी, याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था बिल्टअप एज। तो बिल्टअप एज क्यों आता है? जब बॉडी के अंदर गर्मी ज्यादा होती है तब बिल्टअप एज आता है, याद आ रहा है? बिल्टअप एज की कल हमने बात करी थी। तो दोस्तों लो स्पीड मशीनिंग जब होगी, व्हेन देयर विल बी लो स्पीड मशीनिंग, जब मशीनिंग लो स्पीड होगी तो वर्क पीस के अंदर हीट ज्यादा डेवलप होगी, वर्क पीस के अंदर हीट ज्यादा समय तक बनी रहेगी, यानी वर्क पीस ज्यादा गर्म होगा। और वर्क पीस जब गर्म होगा तो क्या क्या इससे होने वाला, समझते हैं एक करके। तो याद रखिए ये सबसे पहला पॉइंट, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में, पीएसयूज वगैरह में, कि भैया फ्लैंक वियर कब आता है, हाई स्पीड मशीनिंग में, मीडियम स्पीड मशीनिंग में, या स्लो स्पीड मशीनिंग में, या कोई सी भी मशीनिंग में। तो याद रखेंगे स्लो स्पीड और द लो स्पीड मशीनिंग में। ठीक है, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब स्लो स्पीड मशीनिंग होगी तो साहब ज़्यादा क्यों आ रहा है, समझिए उसका रीजन। स्लो स्पीड जब मशीनिंग होगी दोस्तों, ये टूल की टिप है, और टूल की टिप के पास क्या क्या होता है, कटिंग एजेस होती है और फ्लैंक सरफेसेस होती हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्लो स्पीड मशीनिंग है तो जो वर्क पीस है वो दोस्तों गर्म होने लगता है। जब वो गर्म होने लगता है, जब वो गर्म होने लगता है और सब कुछ किसमें है, सब कुछ अंडर मोशन है, तो दोस्तों कई बार वर्क पीस और इसके साथ क्या होने लगता है, स्टिकिंग होने लगती है। किसके साथ? टूल के साथ, टूल के साथ वर्क पीस चिपकने लगता है, और ये टूल अंडर मोशन है।
ठीक है, तो जब ये टूल के साथ चिपकने लगता है इसको बोलते हैं वेल्ड, क्या बोलते हैं, माइक्रो वेल्ड। तो माइक्रो वेल्ड फॉर्मेशन इज देयर। अब वर्क पीस इससे चिपकना चाहता है, किससे, वर्क पीस टूल से चिपकना चाहता है और टूल मोशन में होता है, तो टूल का हिस्सा धीरे धीरे जो वर्क पीस से टूट चिपकता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और वहां पर गड्ढा बनने लगता है, जिसको बोलते हैं माइक्रो वेल्ड। मतलब कल याद करिए जो हमने बिल्टअप एज पढ़ा था उसी के जैसा है बिल्कुल, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार वर्क पीस ही क्या करेगा, माइक्रो वेल्ड फॉर्मेशन होगा, बहुत छोटे छोटे माइक्रो वेल्ड बनने लगेंगे, चिपचिपाहट बढ़ने लगेगी, किसके बीच में, टूल के मटेरियल के बीच में और वर्क पीस के मटेरियल के बीच में, और धीरे 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 टूल का कुछ हिस्सा धीरे धीरे वर्क पीस के साथ चिपक के टूट जाता है। कई तरह से दोस्तों होता है, कई बार बिल्टअप एज बन जाती है, कई बार टूल भी टूट जाता है, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो वर्क पीस और इसके बीच में चिपचिपाहट होने लगती है, स्टिकिंग होने लगती है, ठीक है। माइक्रो वेल्ड फॉर्मेशन इज देयर, क्या होने लगता है, माइक्रो वेल्ड बनने लगता है दोनों के बीच में, मतलब माइक्रो लेवल पे वेल्डिंग होने लगती है, छोटे छोटे वेल्ड्स बनने लगते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसकी वजह से अब भाई मान के चलो कि ये वर्क पीस और ये चिपक गए हैं और वर्क और ये टूल मोशन में है, तो क्या होगा, जो वेल्डिंग हुई थी वो उखड़ती है, टूटती है, जिस वजह से टूल का कुछ हिस्सा, टूल के ये वाले हिस्से, सी कर बोली, टूल के ये हिस्से जो किस में चिपक के चल रहे थे, जो वर्क पीस के अंदर चिपक के चल रहे थे, ये वाला हिस्सा ये धीरे धीरे उखड़ने लगता है और वर्क पीस के साथ चिपकने लगता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे धीरे धीरे मटेरियल कम होने लगता है और घिसाई हो गई, मतलब मटेरियल कम होने लगता है और धीरे धीरे टूल डैमेज हो जाता है। तो दूसरा कारण क्या देखिए दोस्तों, अब क्यों लो स्पीड पे फ्लैंक गियर मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि लो स्पीड पे माइक्रो वेल्डिंग टेक्स प्लेस, माइक्रो वेल्ड्स टेक्स प्लेस बिटवीन टूल एंड वर्क पीस एंड दीज माइक्रो वेल्ड्स एंड दीज माइक्रो वेल्ड्स आर शीयर्ड ऑफ का मतलब है टूट जाना, एक तरह से खिंचाव हो जाता है तो टूट जाते हैं, शीयर्ड ऑफ ड्यू टू मोशन ऑफ टूल, ड्यू टू मोशन ऑफ टूल, क्योंकि दोस्तों टूल मोशन में अब कोई दो चीज इमेजिन करो चिपक चुकी है और उनको आप खींच के ले जा रहे हो तो क्या होगा, उखड़ेंगी ऑब्वियसली, टूटेगी डैमेज होगा, बोलो यार यस और नो भाई, कोई दो चीज जो चिपक चुकी है वो मोशन में है, अब भाई वर्क, ये टूल वर्क पीस से चिपक चुका है और टूल आगे जाना चाहता है तो क्या होगा, टूट जाएगा वहां से, जो चीज चिपक चुकी है वो टूट जाएगी, आ रही बात समझ में, रिप्लाई करें प्लीज। ये लाल वाली लाइन जो लिखी समझ में आ रहा है, माइक्रो वेल्डिंग फॉर्मेशन होगा किसके बीच में, टूल के और वर्क पीस के बीच में। अब इमेजिन करो ये टूल चिपक चुका है इससे, यहां पे इमेजिन करो, और टूल आगे भगना चाह रहा है, क्या होगा फिर, यहां से टूल का जो पार्ट है वो टूट जाएगा थोड़ा थोड़ा, और जब वो टूट जाएगा तो धीरे धीरे डैमेज होने लगे, गड्ढा बन जाएगा वहां पे, उस गड्ढे को हम लोग वियर बोलते हैं, उस गड्ढे को बनने को हम लोग फ्लैंक वियर बोलते हैं, आई बात समझ में। तो लो स्पीड पे दोस्तों गर्मी ज्यादा डेवलप होती है तो माइक्रो वेल्ड फॉर्मेशन इज देयर, तो एक कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट और क्या होता है इसका कारण देखिए, नेक्स्ट कारण मैं यहां समझाता हूँ, फ्लैंक वियर का नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है दैट इज वॉट, दैट इज द एब्रेजन, एब्रेजन ठीक है, घिसाई, एब्रेजन बाय हार्ड पार्टिकल्स एंड इंक्लूजन इन वर्कपीस, वर्कपीस के अंदर हार्ड पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ इंक्लूजन हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, एब्रेजन का मतलब घिसाई, घिसाई करेंगे, किसको घिसेंगे, टूल को घिसेंगे, सिंपल, तो घिसाई भी एक कारण हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्या होता ही है, ठीक है। तो एब्रेजन से भी टूल खराब होता है, वियर मिलता है हमें, बोलिए, सूर्य क्रांत सोनकर, वेरी गुड इवनिंग डियर, हाँ और ना करते चलिए बेटा फटाफट फटाफट, तो एब्रेजन वाला पॉइंट क्लियर है, एब्रेजन होगा तो भी, एब्रेजन वाला घिसाई, किसके थ्रू घिसाई होगी, हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वर्कपीस के अंदर, या वर्कपीस के अंदर कुछ इंक्लूजन हो सकते हैं, तो वो इंक्लूजन अल्टीमेटली घिसाई करेंगे किसकी, कटिंग टूल की, कटिंग टूल घिसने लगेगा धीरे धीरे और वहां पे गड्ढा बन जाएगा, सिंपल।
नेक्स्ट एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी समझ लें। नेक्स्ट पॉइंट, आप समझिए जो बताने जा रहा हूं। एब्रेजन बाय फ्रेगमेंट्स ऑफ बिल्ट अप एज, एब्रेजन बाय फ्रेगमेंट्स ऑफ बिल्ट अप एज अगेंस्ट क्लियरेंस सरफेस, अगेंस्ट क्लियरेंस सरफेस ऑफ टूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस ऑफ द क्रेट ऑफ द फ्लैंक वियर। ठीक है, दिस इज अगेन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों है देखिए समझिए दोस्तों, कल मैंने आपको बिल्टअप एज पढ़ाया था, एक बार उसको फिर से रिव्यू करते हैं, जल्दी से देखते हैं दोस्तों क्या हुआ था। कल जो हमने बिल्टअप एज देखा था, उसमें हुआ क्या था, उसमें जो कटिंग टूल था यहाँ पे, ये कटिंग टूल में एक मोटी सी लेयर आ गई थी वर्क पीस की, ये था बिल्टअप एज, ये बिल्टअप एज था। अब दोस्तों कल हमने बात करी थी कॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्टअप एज, तो हुआ क्या था, जो चिप निकल के जा रही थी, सबकी निगाह सामने रहेगी, जो चिप निकल के जा रही थी ऐसे करके, उस चिप का कॉन्टेक्ट बढ़ने लगा था किसके साथ, इस बिल्टअप एज के साथ, और ये बिल्टअप एज इस चिप से चिपकने लगी थी। और एक समय के बाद जब इनके बीच में बहुत ज्यादा मतलब फोर्स आ गया, ये बहुत ज्यादा चिपकने लगी, तो ये चिप ने इस बिल्टअप एज को तोड़ दिया और चिप अपने साथ बिल्टअप एज को ले गई, और वो चिप जब अपने साथ बिल्टअप एज को ले गई तो उस चिप को हमने क्या नाम दिया, कॉन्टिन्यूस चिप विद बिल्टअप एज। इस तरह से यही बोला था कल हमने, यही बात करी थी। तो ये क्या था दोस्तों, ये थे फ्रेगमेंट्स ऑफ द बिल्टअप एज, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ बिल्टअप एज, यही पढ़ा था हमने कल। अब दोस्तों क्या ये बिल्टअप एज केवल चिप के साथ जाएगी, क्या ये केवल चिप के साथ जाएगी, नहीं साहब चेक करो जरा, ये बिल्टअप है, ये जो काला वाला हिस्सा है, ये बेटा वर्क पीस के साथ भी तो कॉन्टेक्ट में है, वर्क पीस के साथ भी तो इसका रिलेशन बन रहा है, तो वर्क पीस भी तो इससे चिपक सकता है, और अगर वर्क पीस चिपकेगा तो ये टूट के वर्क पीस पर भी जा सकती है। तो दोस्तों कई बार ये बिल्टअप एज जो बनी है ये टूट टूट के वर्क पीस पे भी आ जाती है ऐसे करके, यस ये वर्क पीस पे भी इस तरह से आ जाती है। हाँ और ना, और अगर ये वर्क पीस पे आ रही है दोस्तों, तो यार सामने आते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबकी निगाह सामने, ये है साहब हमारा कटिंग टूल, ये गया रेक सरफेस, और ये गया दोस्तों क्लियरेंस फेस, और यहां है हमारा वर्क पीस। ये है वर्क पीस जिसको आप मशीन्ड सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, इमेजिन करना जरा सारे लोग एक मिनट के लिए दोस्तों, जब बिल्टअप एज टूट के, जब बिल्टअप एज टूट के यहां से निकल के जाएगा, ये बिल्टअप एज जो है, तो ये बिल्टअप एज इस क्लियरेंस फेज, इसको क्लियरेंस फेज बोलते हैं ना, कल पढ़ाया था मैंने, रिलीफ फेज और द क्लियरेंस फेज, क्लियरेंस फेज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो दोस्तों क्या ये बिल्टअप एज के फ्रेगमेंट्स क्लियरेंस फेज से टकराएंगे यहां पे, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, और जब ये क्लियरेंस फेज से टकराएंगे तो क्या ये इस क्लियरेंस फेज को डैमेज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, और करेंगे तो बेटा ये टूल, ये क्लियरेंस फेस क्या होता है, ये क्लियरेंस फेस कुछ और नहीं है दोस्तों, ये क्लियरेंस फेस कौन है, ये क्लियरेंस फेस कुछ और नहीं है दोस्तों, ये एंड फ्लैंक को ही क्लियरेंस फेस बोलते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये एंड फ्लैंक खराब होने लगता है, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, जो क्लियरेंस फ्लैंक, ये क्लियरेंस फेस जो होता है एंड फ्लैंक होता है, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, दिस द एंड फ्लैंक, ठीक, तो ये कुछ और, ये क्या है, ये है फ्रेगमेंट्स ऑफ द बिल्टअप एजेस, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ बिल्ट अप एजेस,
आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए ये क्लियरेंस फेस को खराब करेंगे। क्लियरेंस फेस कुछ और नहीं होता, एंड फ्लैंक होता है ये, इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बनता है ये एंड रिलीफ एंगल होता है, गामा ई होता है ये। यानी कि इस मतलब मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, व्यू बेटा चेंज होते रहते हैं, बस ये वही एंगल है क्लियरेंस एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक कारण है टूल के खराब होने का। तो दोस्तों इस मैंने बहुत सारी बातें इसमें बता दी आपको, तो याद रखिएगा दोस्तों, रीजन फॉर द फ्लैंक वियर, इस पर क्वेश्चन बनता है, यही बेसिक मेन रीजन है। और याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जनरली आकर होता है लो स्पीड मशीनिंग में। ठीक है, शाबाश। अब बात करते हैं क्रेटर वियर की। रीजन ऑफ क्रेटर वियर, रीजन फॉर रीजन ऑफ क्रेटर वियर। दोस्तों क्रेटर वियर सबसे पहली चीज ये आकर होता है कब, हाई कटिंग स्पीड पे। ठीक है, क्रेटर वियर प्री डोमिनेट्स, प्री डोमिनेट्स एट हाई कटिंग स्पीड, एट हाई कटिंग स्पीड। वो किस पे आ रहा था, वो स्लो में आ रहा था, ये किस में आ रहा है, हाई में आएगा। ठीक है, क्रेटर वियर हाई कटिंग स्पीड पे आता है, कौन सी कटिंग स्पीड पे, हाई कटिंग स्पीड पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कीवर्ड है याद रखना है हाई कटिंग स्पीड, वहां कीवर्ड क्या था, लो कटिंग स्पीड। नोट्स, अपने नोट्स में नोट डाउन करता हूँ, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, यही पीएसयू में पूछे जाते हैं कि क्रेटर वियर विल अकर एट लो स्पीड, स्लो स्पीड या मीडियम स्पीड या हाई स्पीड, इस तरह से पूछेगा, तो ये हाई स्पीड पे आएगा। क्यों आएगा था, उसका लॉजिक समझो आप दोस्तों। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जब हाई स्पीड मशीनिंग होती है, मीडियम टू हाई स्पीड मशीनिंग होती है, तो जितनी भी टोटल हीट डेवलप होती है, टोटल हीट जो भी मशीनिंग ऑपरेशन में डेवलप होती है, आगे भी पढ़ाऊंगा इसको मैं, याद रखेंगे, उसमें से करीब 70 से 80%, 70% से 80% ऑफ हीट कौन ले जाता है अपने साथ, चिप ले जाती है। कौन ले जाती है, चिप ले जाती है। यानी कि जब मशीनिंग स्पीड हाई होती है तो 70 से 80% हीट चिप ले जाती है। यानी कि मान के चलिए 100 जूल एनर्जी डेवलप हो रही है, तो 100 जूल में से 80 जूल अपने साथ कौन लेके आएगा, चिप लेके आएगी। कौन लेके आएगी, चिप। तो ये दोस्तों सब लोग सामने देखो अब जरा, दोस्तों जब चिप कट के निकलती है तो एक्चुअली इस व्यू में हमें देखने पे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल यहाँ से टच होके निकल रही है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाके टकराती है रेक सरफेस पर, लाइक दिस, इस जगह पे वो टकराती है। यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं टकराती है, माइंड इट प्लीज, ये थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पे। एक्चुअली इस व्यू से समझ में नहीं आएगा वो, मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ दोबारा। ये आपकी कटिंग एज होती है, ये जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये कटिंग एज होती है। जब ये कटिंग एज कटिंग करती है तो चिप थोड़ा सा यहाँ पे आके टकराती है इस जगह पे, मतलब टूल की टिप से थोड़ी सी डिस्टेंस पर टकराती है, वहाँ पे हमारा क्रेटर वियर बनता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों भाई क्रेटर वियर कुछ डिस्टेंस पे क्यों बनता है, ये भी पूछा जाता है। याद रखना, बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, क्रेटर वियर टूल की टिप से थोड़ी सी डिस्टेंस पर बनता है, क्यों बनता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों जब मेटल कटिंग होती है तो मोमेंटम की वजह से जो चिप होती है वो एकदम से बिल्कुल बराबर में नहीं टकराती रेक सरफेस के, हल्का सा दूरी पर टकराती है। तो इस जगह पे जिसको मैंने काला काला कर दिया है, ये है रेक सरफेस, और रेक सरफेस के ऊपर गड्ढा बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं क्रेटर वियर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेटर वियर साहब हमेशा टूल की टिप से कुछ दूरी पर क्यों बनता है, क्यों बनता है, अभी आप 5 मिनट के बाद आंसर जान जाएंगे। देखिए सामने हम, तो कुल मिला के मैंने आपको समझाया कि ये चिप थोड़ी सी दूरी पर टकराती है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हाई स्पीड मशीनिंग है, टोटल हीट कौन लेके चला जाता है, चिप लेके चला जाता है, और मतलब ऑलमोस्ट पूरी की पूरी हीट कौन लेके जा रही है, चिप लेके जा रही है, मतलब
100 जूल अगर एनर्जी हमने दी है, 100 जूल की अगर हीट डेवलप हुई है, तो करीब 80 जूल किसके पास है? चिप के पास है। बाकी की 10 जूल होती है बेटा करीब वर्क पीस के पास, और 10 जूल होती है टूल के पास। अब ये चिप के पास सबसे ज्यादा हीट है, यानी कि हीट सबसे ज्यादा चिप के पास है। और इस जगह पे पेन का कलर मैं चेंज कर रहा हूं, एक मिनट, इस जगह पे ये कॉन्टिन्यूसली वर्क पीस टूल के साथ रब कर रही है। एक तो ये बिल्कुल हॉट है क्योंकि सबसे ज्यादा हीट इसके पास है, प्लस ये इसी जगह पे रब किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। तो दोस्तों इस जगह पे टूल का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है, 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 और बढ़ बढ़ के टूल का टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है। और अगेन टूल का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म हो जाता है, तो टूल अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देता है। धीरे 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 टूल का मटेरियल चिप के मटेरियल के साथ टूट टूट के, या मैं बोलूँ डिफ्यूज़ हो के आगे बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो टूल का मटेरियल डिफ्यूज हो जाता है चिप के मटेरियल में, किस में डिफ्यूज जाता है? चिप के मटेरियल में। और धीरे धीरे इस रेक सरफेस के ऊपर इस तरह से एक गड्ढा बन जाता है, और इसी गड्ढे को बोला जाता है क्रेटर वियर। ये क्या है गड्ढा? दिस गड्ढा इज नथिंग, इट इज द क्रेटर वियर। कौन सा वियर है ये? क्रेटर वियर। तो क्यों क्रेटर वियर? टूल की टिप से थोड़ी डिस्टेंस पे बना। हाँ बेटा, कूलेंट यूज कर लो, बिल्कुल ठीक बात है, ताकि आगे क्रेटर भी भाई कूलेंट यूज कर लोगे तो फिर कुछ सब कुछ ठंडा ही हो जाएगा, फिर तो दिक्कत ही नहीं है कोई, है ना? तो इसीलिए कूलेंट यूज किया था ताकि वियर ना आए या कोई चीज ना आए। ठीक है हरीश जांगड़ा भाई, तो दोस्तों सी केयरफुली माई डियर फ्रेंड्स। तो क्रेटर वियर की अगर बात करें, तो क्रेटर वियर टूल की टिप से कुछ डिस्टेंस पर क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि क्योंकि इस जगह पे क्या होता है? टूल का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और इसलिए टूल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और टूल धीरे धीरे डिफ्यूज होने लगता है चिपके मटेरियल के साथ। ठीक है, तो क्रेटर वियर प्रीडोमिनेट करता है हाई स्पीड पे। और क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि डिफ्यूजन होता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, और टूल धीरे 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 टूट टूट के टूट टूट के चिप के साथ निकल जाता है। समझ गए दोस्तों? छाप लो फटाफट। ऑब्वियसली बात है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस चिप। अनूप सिंह ने क्वेश्चन पूछा और मुझे बड़ा मजा आ गया सुनते ही, दिल खुश हो गया मेरा। अनूप सिंह ने पूछा है, आप सब लोग भी सुनिए, क्रेटर वियर डक्टाइल में ज्यादा होता है या ब्रिटल में? अनूप सिंह मेरे बच्चे, बिल्कुल रटेंगे नहीं आप, एक चीज समझो मेरे बच्चे, इट इज वेरी ट्रू कि जब कॉन्टिन्यूस चिप बनेगी तभी 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 ये काम होगा। कंटिन्यूस चिप बनेगी नहीं तो ये टच ही नहीं करेगा एक सरफेस को। आ रही बात समझ में? तो कॉन्टिनशिप कौन बनाएगा बेटा? कॉन्टिनशिप बनाएगा डक्टाइल मटेरियल। कौन सा मटेरियल? डक्टाइल मटेरियल। समझ गए बेटा? हाँ, तो रटोगे नहीं मेरे दोस्त, आप रटोगे तो फिर फंस जाओगे ना। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा चीज़ों को समझे, रटिए मत बेटा। और जनरली जितनी भी हम बेसिकली थ्योरी पढ़ते हैं, वो बेटा हम डक्टाइल मटेरियल के लिए ही, हम लोग जितना ये थ्योरी पढ़ रहे ना, ये जो चिप फ्लो कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये जनरली डक्टाइल मटेरियल के लिए थ्योरी होती है ये। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, खेल गए यार, मजा आ गया। तो सबको क्लियर हो गया इतना पार्ट दोस्तों? बहुत बढ़िया, अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा टॉपिक, और इसी में टूल फेलियर के अंदर ही एक क्वेश्चन और बन सकता है। इस तरह से बन सकता है कि आपसे पूछेगा वो कि व्हेन द टूल फेलियर विल अकर, देन विच टाइप ऑफ टूल फेलियर अफेक्ट्स द कॉम्पोनेंट डायमेंशन। क्या पूछेगा?
विच टाइप ऑफ टूल फेलियर या विच वन ऑफ द टूल फेलियर विल अफेक्ट द कंपोनेंट डायमेंशन। कंपोनेंट की डायमेंशन को कौन सा फेलियर, कौन से टूल का फेलियर अकर मतलब अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों कंपोनेंट कौन से फेलियर से खराब होगी, कंपोनेंट की जो डायमेंशन है वो कौन से फेलियर से खराब होंगी, क्रेटर वियर से या फ्लैंक वियर से, क्रेटर वियर से या फ्लैंक वियर से। क्या क्रेटर वियर, ये जो रेक सरफेस है, ये वर्कपीस को टच भी कर रही है क्या? नहीं कर रही। वर्कपीस को कौन टच करता है, टूल की टिप। और टूल की टिप का मतलब क्या हो गया, टूल की टिप और कटिंग एज। तो टूल की टिप और कटिंग एज का मतलब क्या हो गया, कलिका कुमार तुम्हें उठा के फेंक दूंगा मैं बेटा। टूल की टिप और कटिंग एज वर्कपीस का टच करती है, यानी ये वाला हिस्सा टच करता है। अब यही हिस्सा खराब होता जा रहा है, घिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है। व्हाट विल हैपन, जो काम इसको करना चाहिए था, जो डायमेंशन इसको काटनी चाहिए थी, काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि टूल की कटिंग एज ही खराब हो गई, टूल की टिप ही खराब हो गई। यानी कि अगर क्रेटर वियर, अगर फ्लैंक वियर हो जाता है, तो धीरे धीरे जो डायमेंशन आप कट करना चाह रहे हैं वो कट नहीं होगी, जो सरफेस फिनिश आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगी, यानी कंपोनेंट की डायमेंशन धीरे 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 खराब होने लगेगी। यानी कंपोनेंट की डायमेंशन को कौन इफेक्ट करता है, क्रेटर वियर या फ्लैंक वियर। सामने देखिए डायग्राम को, क्रेटर वियर या फ्लैंक वियर। ऑब्वियस सी बात है, फ्लैंक वियर ये वाला पार्ट है जो वर्कपीस को टच करता है, और यही पार्ट धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो जब यही जो चीज कटिंग एज है वो खराब ही हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डायमेंशन हमें कट करनी है, जो सरफेस फिनिश हमें चाहिए, वो नहीं मिलेगी। और अगर वो नहीं मिल रही है, इस बात का मतलब क्या है, कंपोनेंट की डायमेंशन हमें एग्जैक्टली नहीं मिल रही। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको आप लिख लीजिए। अब यहीं पे लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल लीजिए, यहां लिख लीजिए इस जगह पे, क्योंकि यहां पे हम फ्लैंक बियर पढ़ रहे थे ये रहा। तो लिख लो एक इंपॉर्टेंट नोट, फ्लैंक वियर डायरेक्टली अफेक्ट्स द कंपोनेंट डायमेंशंस। कंपोनेंट की डायमेंशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है फ्लैंक वियर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, प्लीज मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे टॉपिक से, पीएसयू के अंदर खासतौर पर, और ईएसई के अंदर, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। तो प्लीज इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। चलो एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक निपटाते हैं जल्दी से, इस डायग्राम को याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन मेटल कटिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन मेटल कटिंग। देखिए दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम, सी केयरफुली।
इस वाले एक्सिस पे हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे वो समझ लीजिए, यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ टोटल हीट जनरेटेड, यानी इस एक्सिस पे हम लोग ना परसेंटेज ऑफ टोटल हीट जनरेटेड लिया हुआ है। दोस्तों आप जानते हो कि जब हम लोग मेटल कटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम मेटल कटिंग करते हैं तो वर्क पीस और टूल वगैरह गर्म हो जाते हैं ना, हीट आ जाती है उनके अंदर, तो कुल मिला के जो भी हम पावर वहाँ पे देते हैं वो सब कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर। ठीक है, जो भी पावर हम वहाँ पे लगाते हैं वो सब कन्वर्ट होती है हीट के अंदर, इसलिए सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो देखिए मैं क्या बना रहा हूँ अभी, आप समझ जाएंगे वो टाइम मैं ये क्या बनाने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। हाँ देखिए ये क्या है, और इस वाले एक्सिस पे है दोस्तों हम लोग ले रहे हैं इधर कटिंग स्पीड। ठीक है, इस वाले एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं कटिंग स्पीड, ठीक है। अच्छा ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ टोटल हीट जनरेटेड, तो परसेंट का साइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए 33 33 33, करीब 70, और यहाँ बचेगा 15, और करीब 15 ये बचेगा, फिर यहाँ थोड़ा हम पहुँचेंगे तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 80, और यहाँ मान के चलिए ये बचेगा 10, और ये बचेगा 10। सी केयरफुली, 33 33 33 कितना हो गया दोस्तों, 33 33 33 हो गया ऑलमोस्ट 100। भार्गव पारेख, मेटल कटिंग की डिटेल वीडियो भी है सर आपके भाई, सर डिटेल पढ़ना है तो प्लस पे आइए, इतनी डिटेल मिलेगी कि दम निकल जाएगी डिटेल पढ़ पढ़ के आपकी। सी फ्रेंड्स, 33 33 33 का मतलब 100 ऑलमोस्ट, इधर 70 15 और 15 100 ऑलमोस्ट, और इधर 80 10 10। तो देखिए अभी आप खुद ही समझ जाएंगे इस डायग्राम का फिजिकल मीनिंग क्या है। दोस्तों ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लो कटिंग स्पीड के लिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम कटिंग स्पीड के लिए, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाई कटिंग स्पीड के लिए। ठीक है, अरे गौतम कत्ता जी दिल जीत लिया आपने भाई साहब, मतलब दिल खुश कर दिया आपने। अबे 33 33 33 ऑलमोस्ट 100, ठीक है 99। चलो और ये 15 15 30 और 70 100 10 10 और 80 100। नाउ अब ये बीच में क्या है, ये किस लिए मैंने तीन इसके डिवीजन कर रखे हैं, जो पहला वाला जो रीजन है ये वाला, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है चिप को। किसको? चिप को। पहला वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है चिप को, ठीक, ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है टूल को, और ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क पीस को। तो डियर फ्रेंड्स मुद्दा ये है, कल भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब कटिंग स्पीड स्लो होती है, जब कटिंग स्पीड स्लो होती है, जब कटिंग स्पीड स्लो होती है, सामने देखेंगे जब कटिंग स्पीड स्लो होती है, और कल मैंने वेलोसिटी एनालिसिस भी आपको पढ़ा दिया है, वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, तीन वेलोसिटी हमारे पास होती हैं। तो दोस्तों जब कटिंग स्पीड ही स्लो है, जब कटिंग वेलोसिटी ही स्लो है, तो सारी वेलोसिटी जो हमने कल तीन वेलोसिटी पढ़ी थी, यस इसको बोलते हैं कटिंग वेलोसिटी वी, इसको बोलते हैं शीयर वेलोसिटी वी एस, और इसको बोलते हैं वी सी, याद आ रहा है चिप वेलोसिटी। अब कटिंग वेलोसिटी स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही है, यानी टूल ही स्लोली स्लोली आ रहा है, तो बेटा शीयर प्लेन भी स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, और चिप भी फिर स्लोली स्लोली ऊपर जाएगी। उस केस में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होने के लिए, हीट ट्रांसफर होने के लिए समय मिलेगा, क्या मिलेगा, समय मिलेगा, हीट ट्रांसफर होने के लिए समय मिलेगा। तो जो शीयर प्लेन जब उखड़ता है दोस्तों, तो शीयर प्लेन जब टूटता है तो यहाँ पर हीट डेवलप होती है, चूंकि स्पीड बहुत स्लो है, तो शीयर प्लेन अपनी हीट किसको दे देगा, शीयर प्लेन अपनी हीट वर्क पीस को दे देगा।
अब ये स्लोली स्लोली जो इसने हीट उखड़ा, उखड़ने के बाद हीट डेवलप हुई और इसने कुछ हीट किसको दे दी, वर्क पीस को दे दी, फिर बची हुई हीट चिप में जाने लगी, चिप में जाने लगी। अब चिप भी स्लोली स्लोली ऊपर जा रही, तो बची हुई हीट किसको मिल जाएगी, टूल को मिल जाएगी, क्योंकि भाई समय मिल रहा है हमें, क्योंकि सब काम स्लोली स्लोली हो रहे हैं, इसलिए चिप भी अपनी हीट किसको दे दे रही है, टूल को दे दे रही है, बाकी की बची हुई हीट किस में चली जाएगी, चिप के साथ चली जाएगी। तो इस तरह से अगर स्लो स्पीड होती है, स्लो स्पीड जब होती है तो दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यानी कि 33% हीट करीब वर्कपीस में डेवलप होती है, 33 के आसपास करीब टूल में, और 33 बची हुई कौन ले जाता है, चिप ले जाता है। ये कब होता है, ये तब होता है जब जब कटिंग स्पीड स्लो है। अब दोस्तों इमेजिन करो कि कटिंग स्पीड बहुत तेज है, तो शियर प्लेन एकदम तेजी से ऊपर निकल जाएगा, यानी उसको हीट देने का समय ही नहीं मिला किसको, वर्क पीस को, हल्की फुल्की हीट वर्क पीस पर जाएगी। और सिमिलरली जब ये शियर प्लेन ही तेज निकल रहा है तो चिप भी बहुत तेजी से ऊपर भागेगी, उस केस में ये चिप टूल को भी हीट नहीं दे पाएगी, और सारी की सारी हीट कौन ले जाएगी, चिप ले जाएगी, सारी की सारी हीट कौन ले जाएगी, चिप ले जाएगी। इसलिए ये डायग्राम दोस्तों यही शो कर रहा है कि जब स्लो कटिंग स्पीड होती है तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, किसके ऊपर, चिप के ऊपर, टूल के ऊपर, वर्कपीस के ऊपर। और फिर जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, तो मीडियम जब हो जाती है स्पीड, या मीडियम टू हाई करें, तो फिर सारी की सारी हीट ऑलमोस्ट कौन ले जाता है, चिप ले जाता है। देखिए मीडियम स्पीड में करीब 70% हीट चिप ले जा रही है, बाकी की बची हुई हीट 15-15% वर्कपीस और टूल में चली जा रही है। सिमिलरली हाई स्पीड की बात करें तो वहाँ भी ऐसे हो रहा है कि सारी की सारी हीट ऑलमोस्ट 80% हीट चिप ले जा रही है, बाकी की बची हुई हीट किस पे जा रही है, टूल पे और वर्क पीस पे। तो आई होप कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया तो फटाफट से छाप लो। अरे रिप्लाई करोगे कुछ? अरे तो कल को आपसे पूछा जाए कि भैया मेटल कटिंग, अब दोस्तों याद रखेंगे ना, मेटल कटिंग जब होती है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेते हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गुड 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 दोस्तों। तो जो मेटल कटिंग होती है याद रखेंगे, अब दोस्तों अब आपसे जनरली कोई पूछे कि इन मेटल कटिंग मोस्ट ऑफ द हीट इज कैरीड अवे बाय, तो आपका आंसर होगा चिप। क्यों होगा समझिए, और उसमें आप ये मत पूछिएगा उससे कि साहब स्पीड तो बता दो, स्लो स्पीड है कि हाई स्पीड है। हाँ अगर वो मेंशन कर रहा है स्लो मीडियम हाई तो फिर आप हिसाब से आंसर कर देना, लेकिन अगर मेंशन नहीं है, अगर मेंशन नहीं है कि स्लो स्पीड है, मीडियम स्पीड है, हाई स्पीड है, तो आपको हमेशा चिप वाला आंसर रखना है, चिप वाला आंसर पुट करना है। ये मत पूछिएगा कि साहब इसमें तो मेंशन ही नहीं था कि स्लो स्पीड है कि हाई स्पीड है। दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हम अगर स्लो स्पीड में मशीनिंग करेंगे तो मशीनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। अगला टॉपिक इकोनॉमिक्स के ऊपर ही है, पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। इसलिए दोस्तों स्लो स्पीड पर कभी भी मशीनिंग नहीं करी जाती है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, आगे पढ़ाऊंगा, इसी में आज ही पढ़ना है हमें ये, ठीक है। स्लो स्पीड पे कभी भी मशीनिंग नहीं करी जाती। वीडियो चल रहा है भाई, क्लियर नहीं चल रहा, बफरिंग वफरिंग हो रही है क्या, बताएं एक बार जरा। क्लियर है ना? तो दोस्तों स्लो स्पीड पे मशीनिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आती है, और ये टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा आगे कॉस्ट वाला। इसलिए याद रखना स्लो स्पीड में मशीनिंग नहीं होती, तो कहाँ पे होती है, फिर मीडियम स्पीड के आसपास मशीनिंग होती है। दोस्तों अगर मीडियम स्पीड के आसपास मशीनिंग हो रही, तो चेक करना सबसे ज़्यादा हीट कौन लेके जा रहा है, सबसे ज़्यादा हीट कौन लेके जा रहा है, सबसे ज़्यादा हीट लेके जा रहा है चिप। इसलिए कल को कोई आपसे क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन आ जाए पीएसयू के अंदर कि इन मेटल कटिंग ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द हीट इज कैरिड अवे बाय, तो आपका आंसर क्या होगा, अगर कोई आपसे पूछे कि इन मेटल कटिंग ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द हीट इज कैरिड अवे बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए चिप। आपको चिप पे टिक करना है बिना कुछ सोचे समझे, आंख बंद करके। और हाँ अगर उसमें वो मेंशन करे कि मीडियम है या हाई स्पीड है या स्लो, तो फिर आप देख लेना इस डायग्राम के हिसाब से।
ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। अब बढ़ते हैं आगे और एक छोटा सा टॉपिक आज निपटाते हैं हम लोग, टूल के इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक, आई होप कि फेलियर वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें और भी डेप्थ है कि कितने स्टेजेस में ये होता है, फलाना फलाना ढिमकाना, तो वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए अब करते हैं आगे मूव। अब बात करते हैं टूल इकोनॉमी की। ठीक है, इसमें मैं एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा जिससे आपका गेट का क्वेश्चन भी लग जाएगा। ठीक, तो टूल इकोनॉमी या टॉपिक का नाम हो सकता है इकोनॉमिक्स इन मेटल कटिंग। इकोनॉमिक्स इन मेटल कटिंग, इकोनॉमिक्स इन मेटल कटिंग। तो देखिए दोस्तों क्या करना है इसमें। डियर फ्रेंड्स, इस वाले एक्सिस पे हम लोग लेने जा रहे हैं कटिंग स्पीड, और इस वाले एक्सिस पे लेने जा रहे हैं हम लोग कॉस्ट। और कुछ मैं डायग्राम बनाऊंगा, कुछ इसके ऊपर कर्व बनाऊंगा, वो कर्व आपको समझने होंगे। और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, बाकायदा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कर्व कौन सी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनेंगे। अब मान लीजिए आपको एक कंपनी खोली आपने, आपको ले आपने नट बोल्ट बनाने हैं फॉर एग्जांपल, या आपको कोई शाफ्ट बनाते हैं आप लोग, है ना। तो आप कोई भी आपने कंपनी खोली, तो सबसे पहले आप ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन खरीदने के बाद मशीन खरीदेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने चार लेथ मशीन खरीद ली, यहाँ पे लेथ मशीन बना दी, ऑफिस बना दिया, वगैरह 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 पूरा सेटअप कर दिया। अब इसमें आपके मान के चलो 50 लाख रुपए लग गए, फॉर एग्जांपल छोटी कंपनी खोली आपने, आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब ये मशीन चले ना चले, ये लेथ मशीन रन करे ना करे, 50 लाख तो लग गए ना आपके। कंपोनेंट बने ना बने, कटिंग स्पीड कितनी हो ना हो, उनसे कुछ लेना देना है क्या? नहीं। तो आपकी जो सेटअप में कॉस्ट लगती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉस्ट लगती है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। कैसी कॉस्ट? नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट, और यू कैन से फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका कटिंग स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये तो लग गई, ये तो लगी गई। अब चाहे कंपोनेंट बने या ना बने, 50 लाख रुपए तो लग चुके हैं आपके। दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट। इसका कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है, इसीलिए इसका जो डायग्राम बनेगा वैसा बनेगा, सामने देखेंगे सब लोग। This one, ठीक, एंड हेयर दिस इज द कर्व नंबर वन। तो कर्व नंबर वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो डायग्राम है, ये हरी वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फिक्स्ड कॉस्ट को। इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट और द नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। अब आपने क्या किया? अब आपने वर्कर वगैरह रखे और आपने कटिंग चालू करी। अब आएगी हमारी मशीनिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? मशीनिंग कॉस्ट। मशीनिंग कॉस्ट क्या होगी दोस्तों, सुनो ध्यान से। आपने अब वर्कर लिया, इस डायग्राम को मिटा रहा हूं यहां से, अब आपने एक वर्कर लिया, फॉर एग्जांपल एक वर्कर 8 घंटे काम करता है दिन भर में, इमेजिन करेंगे बस 8 आवर्स वो काम करता है, और आप उसको मान के चलिए 1000 रुपीज देते हैं। कितने रुपीज देते हैं? 1000 रुपीज। यानी आप एक दिन के उसे 1000 रुपये देते हैं फॉर एग्जांपल, और वो 8 घंटे काम करते हैं, यानी एक दिन में वो 8 घंटे काम करते हो, आप उसको 1000 रुपये देते हो। अब दो दो चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो वर्कर 8 घंटे की शिफ्ट में बहुत स्लो स्पीड में मशीनिंग करेगा, या हो सकता है वो फास्ट स्पीड में मशीनिंग करे। ठीक है, अगर वो स्लो स्पीड पे मशीनिंग करेगा तो लेट अस अज्यूम उसने दिन भर में बनाए 10 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? 10 कंपोनेंट उसने बनाए। यानी कि अगर वो 10 कंपोनेंट बनाना है, तो आपने उसको 10 कंपोनेंट बनाने कितने रुपए दिए? 1000 रुपए। यानी कि पर कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी आ गई?
₹100 पर कंपोनेंट। अगर वही वर्कर स्लो स्पीड पर काम कर वही वर्कर जब फास्ट स्पीड पर काम करेगा तो हो सकता है वो 100 कंपोनेंट बना दे दिन भर में। और अगर वो 100 कंपोनेंट बना रहा है तो पर कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी आएगी दोस्तों? आप उसे दिन भर में ₹1,000 पे कर रहे हो, तो 100 कंपोनेंट में को 1,000 को 100 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? ₹10 पर कंपोनेंट। आ रही है बात समझ में? यानी कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ेगी कंपोनेंट की कॉस्ट कम होती चली जाएगी। कंपोनेंट की कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको बोलते हैं मशीनिंग कॉस्ट। यानी मशीन आप जितनी तेज चलाएंगे उतने ज्यादा कंपोनेंट बनेंगे, और जितने ज्यादा कंपोनेंट बनेंगे उतनी कॉस्ट कम होती चली जाएगी। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? काइंडली रिप्लाई। हिमांशु राज, टूल वियर का स्टेज पढ़ना है बेटा तो आप प्लस पे आइए बच्चे। प्लस पे टूल वियर की साथ तीन स्टेज होती है, तीनों स्टेज पढ़ाता हूँ बिल्कुल डेप्थ में, ठीक है? प्लस पे आ जाइए, मेरा कोड भी याद रखिएगा जीपीएस लाइव, वहाँ पे बहुत अच्छे से बेटा डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा। ये क्रैश कोर्स है तो वहाँ पे भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखिए, यानी इस कॉस्ट का कटिंग स्पीड से लेना देना है। तो अगर कटिंग स्पीड बहुत स्लो होगी तो ये कॉस्ट बहुत हाई होगी, और कटिंग स्पीड जब बहुत हाई होती जाएगी तो ये कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों ये डायग्राम बनेगा लाइक दिस, और ये जो कर्व आप देख रहे हैं दिस इज द कर्व नंबर टू एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मशीनिंग कॉस्ट। कैसी कॉस्ट है ये? मशीनिंग कॉस्ट। जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मशीनिंग कॉस्ट यानी कि ये वाली कॉस्ट कम होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों? शाबाश। अब आते हैं एक और बात पे। ये तो हो गई मशीनिंग को, कंपोनेंट की कॉस्ट के हिसाब से हमने बात कर ली, दिस इज मशीनिंग कॉस्ट। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे मशीनिंग कॉस्ट घटेगी। डायग्राम समझ में आया ना क्या किया जी मैंने? जब स्पीड कम होगी, यहां पे स्लो स्पीड है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, जब स्पीड बढ़ती जाएगी तो कॉस्ट कम होती चली जाएगी। अब बात करते हैं टूल की। दोस्तों कल ही हमने टूल की लाइफ के बारे में पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ाया कि कटिंग स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है टूल लाइफ वैसे वैसे तेजी से घटती है। ये कल पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था याद करिए। तो टूल लाइफ का बड़ा बढ़िया रिलेशन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कटिंग स्पीड बढ़ेगी तो टूल जल्दी जल्दी खराब होंगे, और टूल जब जल्दी जल्दी खराब होंगे तो आप उसको चेंज करोगे। समझ में आ रहा है? तो कटिंग स्पीड बढ़ेगी तो टूल जल्दी जल्दी खराब होंगे, टूल जल्दी जल्दी खराब होंगे तो आप उनको चेंज करोगे, और चेंज करोगे तो उसमें पैसा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टूल की लाइफ खराब होगी, और टूल की लाइफ खराब होगी तब टूल को चेंज करोगे, और जब टूल को आप चेंज करोगे तो उसकी कॉस्ट आएगी। तो देखिए दोस्तों मैं दो डायग्राम और बनाने जा रहा हूं, सामने देखते जाएंगे आप। स्लो कटिंग स्पीड पर टूल की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती है टूल बहुत तेजी से डिग्रेड करते हैं। याद करिए कल का टूल लाइफ का कर्व, याद है आपको? टूल लाइफ पढ़ाया था मैंने। तो जब स्लो स्पीड होती है तो टूल लाइफ बहुत ज्यादा होती है, फिर जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती है तो टूल लाइफ बहुत रैपिडली घटती है, लाइक दिस। पैराबोलिक इक्वेशन याद करिए, वी टी टू दी पावर एन इक्वल टू सी, कल ही पढ़ाया है। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि स्लो कटिंग स्पीड होगी। देखिए अब एक दो डायग्राम और बना रहा हूं मैं, एक गया ये, और एक गया दोस्तों ये है कर्व नंबर थ्री और ये है कर्व नंबर फोर। अब ये देख पा रहे हैं साफ साफ कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे इस वाले कर्व की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। चेक करो, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज कर रही है कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज कर रही है कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। चार चार नंबर कर्व में, इन दोनों कर्व में कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। अब दोस्तों मुझे बस इतना बता दो, इसमें दो कर्व हैं, इसमें दो कर्व हैं। एक कर्व है टूल चेंजिंग कॉस्ट का, टूल चेंजिंग कॉस्ट का, और एक कर्व है टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट, टूल रीग्राइंडिंग बोल सकते हैं आप, टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट, टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट, टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट।
तो फटाफट से बता दो दोस्तों कि इसमें से कौन सा टूल चेंजिंग कॉस्ट होगा और तो कौन सा टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट होगा। रटेंगे नहीं, दिमाग थोड़ा आता है तो जल्दी बता दो फटाफट से। 3 नंबर वाला टूल चेंजिंग है कि टूल ग्राइंडिंग है, और 2 नंबर और 4 वाला टूल चेंजिंग है कि टूल ग्राइंडिंग है, जल्दी बता दो मुझे। देखिए रटेंगे मत, सामने देखो, बड़ा ही आसान है, सबकी निगाह सामने। लेट अस ज़ूम, इस कटिंग स्पीड पे, इस वाली कटिंग स्पीड पे टूल खराब हुआ। हरीश जांगड़ा बोल रहा है तीसरा टूल चेंजिंग है और चौथा टूल रीग्राइंडिंग है। बेटा सामने देखो, लेट अस ज़ूम इस पॉइंट पे, इस स्पीड पे टूल खराब हुआ। सामने देखेंगे अब सबको, सबकी मैंने सुन ली, सामने देखो अब। लेट अस ज़ूम इस पॉइंट, इस स्पीड पे टूल खराब हुआ। अब इस स्पीड पे हमें 2 कॉस्ट मिली, एक कॉस्ट मिली ये लाल वाले कर्व पे और एक कॉस्ट मिली ये इस ब्राउन वाले कर्व पे 4 नंबर पे। कौन सी कॉस्ट ज्यादा है? 4 वाली कॉस्ट ज्यादा है, चेक करो 4 वाली कॉस्ट, यहां से चेक करो, 4 वाली कॉस्ट ज्यादा है और तीसरे नंबर वाले कर्व वाली कॉस्ट कम है, साफ साफ दिख रहा है। अबे दोस्तों एक बात बताओ, आपका टूल क्या खराब हो गया, डैमेज हो गया, घिस घिस के खराब हो गया, तो टूल चेंज करना महंगा होगा या टूल को रीग्राइंड करना महंगा होगा? टूल को चेंज करना ज्यादा महंगा होगा कि टूल को रीग्राइंड करना ज्यादा महंगा होगा? ऑब्वियस सी बात है, टूल को चेंज करना ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि भाई एक तो टूल को चेंज करने का मतलब कि आपने पुराने टूल को फेंक ही दिया, नया टूल ले लिया। रीग्राइंड का मतलब आपने उसी टूल को ग्राइंड कर लिया, तो ग्राइंडिंग कॉस्ट कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। आप एक केस में क्या कर रहे हो, रीग्राइंड कर रहे हो, और एक में टूल को फेंक ही दे रहे हो। तो बेटा जो 4 नंबर वाला कर्व है ना, ये है टूल चेंजिंग कॉस्ट, और 3 नंबर वाला कर्व है टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? टूल रीग्राइंडिंग। तो दोस्तों पहले इन सबके मैं नाम लिख देता हूँ। 4 नंबर है टूल चेंजिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? टूल चेंजिंग कॉस्ट, ये टूल चेंजिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा वाला कर रहा है टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट। पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला क्या होगा दोस्तों? पहला वाला होगा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और समटाइम कॉल्ड द नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। और दूसरे नंबर वाला क्या होगा दोस्तों? दूसरे नंबर वाला होगा मशीनिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? मशीनिंग कॉस्ट। इतना समझ गए सारे लोग? और अगर समझ गए हैं तो काइंडली यस और नो में रिप्लाई कर दें। अरे यार सभी मिट गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों समझिए, अब सामने देखते जाएंगे सब लोग। एक कर्व और बनाने जा रहा हूं मैं, दिस वन, दिस इज द कर्व नंबर 5। और ये कर्व नंबर 5 कुछ और नहीं है, दिस इज द टोटल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। दिस इज द टोटल कॉस्ट। अनूप सिंह बेटा चौथा वाला होगा टूल चेंजिंग कॉस्ट, क्योंकि टूल को चेंज करने में ज्यादा पैसा खर्च होगा, ना कि टूल को रीग्राइंड करने में। तो रीग्राइंडिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, चेंजिंग कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। भाई एक पर्टिकुलर स्पीड पे है, चेंजिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी और रीग्राइंडिंग कॉस्ट कम आएगी। तो 4 होगा टूल चेंजिंग कॉस्ट और तीसरा होगा टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट। रट क्यों रहे हो, उस चीजों को समझिए। रटंत विद्या फलंत ना है, समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। भाई एक बात बताओ, आपके पास एक पेन है, बहुत सिंपल थी मैं बात करता हूं। चलिए आपके पास एक पेन है, उस पेन के अंदर जो उसकी रिफिल होती है वो खत्म हो गई। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उस पेन के अंदर आप रिफिल डाल लो या पेन ही चेंज कर दो आप। तो कौन सा काम ज्यादा सस्ता पड़ेगा, पेन को चेंज करना या रिफिल डालना?
एक तो पेन को चेंज ही कर दो था, नहीं था पेन ही नया पेन लूंगा था मैं तो। बेटा रिफिल सस्ती आती है, पेन पूरा महंगा आता है। तो बेटा वही कह रहा हूँ कि जब टूल खराब हो गया है तो उसको या तो घिसेंगे आप, घिसने का मतलब रीग्राइंड करेंगे, या फिर उसको चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट है, मतलब ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हो आप। और अगर आप उसको ग्राइंड कर रहे हो मतलब कम काम सस्ते में हो जाएगा, सिंपल तो लॉजिक है। अब आते हैं दोस्तों पांचवें वाले कर पे, ये है टोटल कॉस्ट। मुद्दा ये था कि ये पहले नीचे क्यों जा रही है फिर ऊपर क्यों जा रही है, उसको समझिए। अब दोस्तों लेट्स से सबकी निगाह सामने रहेगी, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत अत्यंत आवश्यक है आपके लिए समझना। लेट अस डू फिक्स्ड कॉस्ट है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल फिक्स्ड कॉस्ट है 100 रुपये मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, और कटिंग स्पीड, जब कटिंग स्पीड की बात करें यस, या फिक्स्ड कॉस्ट मान लो आप लोग, फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 1000 रुपये मान लो, ठीक है। और इस पॉइंट पे सीकर बुली, ये जो इस एक पर्टिकुलर स्पीड पे आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लो, यानी एक स्पीड कोई भी ले लो यहाँ पे, स्पीड फॉर एग्जांपल स्पीड V1, और इस V1 पे हम डिफरेंट कॉस्ट को चेक करते हैं एक बार के लिए, ठीक है। लेट अस ज़ूम, ये वाली कॉस्ट आ गई आपकी कितनी ले लें हम इसको, 2000 ले लो, और फिक्स्ड कॉस्ट आपने ले ली फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपकी ये जो कॉस्ट होगी, ये वाली दिस वन दैट इज व्हाट, ये आप मान के चलो 100, और ये मान के चलो आप 50। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई दोस्तों, टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट आई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है 1000, मशीनिंग कॉस्ट है 2000, प्लस 100 और प्लस 50, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 3000। इसमें से एक चीज़ और समझिए, आप एक टाइम पे हम एक ही काम करेंगे, या तो टूल को चेंज करेंगे या रीग्राइंड करेंगे। लेट अस सम टूल को चेंज कर रहे हैं, 50 वाली को हटा दो 1 मिनट के लिए, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 3100, 3100 हो गया। ये कब है, जब V1 स्पीड है, कौन सी स्पीड है, V1। बेटा एक टाइम पे एक ही काम करेंगे है ना, मैंने या तो हम टूल को चेंज करेंगे या रीग्राइंड करेंगे, तो मैंने चेंज वाली कॉस्ट ले ली 1 मिनट के लिए। अब दोस्तों स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई, और आप जानते हो स्पीड बढ़ाते ही कंपोनेंट की संख्या बढ़ने लगी। अब दोस्तों ये था फिक्स्ड कॉस्ट, ये था आपका मशीनिंग कॉस्ट, और ये था आपका टूलिंग, टूल चेंजिंग कॉस्ट। दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप आगे चलेंगे, जैसे आप स्पीड को बढ़ाएंगे, ये कंपोनेंट की कॉस्ट घटने लगेगी। ये हो सकता है 1500 पे आ जाए, और टूल चेंजिंग कॉस्ट याद से सुन लो, एकदम से नहीं बढ़ेगी। आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, मान लो आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, तो ऐसा नहीं कि टूल एकदम से डैमेज कर जाएगा, तो टूल चेंजिंग कॉस्ट में थोड़ा सा अंतर आएगा, हो सकता है 120 हो जाए। अब चेक करना कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, 2620, कितना आंसर आ रहा है, 2620, 1500 प्लस 1000 प्लस 120, कितना आ रहा है, 2620। पहले आ रही थी 3100, अब हो गई 2620, कब, जब स्पीड हमने V2 कर दी। अब आप फिर और स्पीड बढ़ाइए, V3 कर दीजिए। आप और स्पीड बढ़ाएंगे तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी 1000, ये वाली कॉस्ट और कम हो जाएगी, कंपोनेंट की कॉस्ट हो जाएगी, मान लो कंपोनेंट की कॉस्ट हो गई 1200, इधर टूल की कॉस्ट हो जाएगी मान लो 200, कितना हो गया दोस्तों, 1000 प्लस 1200 प्लस 200, कितना आंसर आया, 2400, और घट गया, यानी टोटल कॉस्ट और घट गया। पहले 3100 था, फिर स्पीड बढ़ाई तो टोटल कॉस्ट और घटी, फिर स्पीड और बढ़ाई तो फिर और घटी, फिर और स्पीड बढ़ाई है, V4 करिए तो चेक करिए, 1000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो सेम रहेगी, मशीनिंग कॉस्ट और कम हो जाएगी, ये मान लो 800 हो जाएगी, और इधर अब टूलिंग कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, लेट अस अज्यूम ये हो गई 400। चेक करते हैं कितना आया दोस्तों आंसर, ये टूलिंग कॉस्ट हो जाएगी 400, टूल चेंजिंग कॉस्ट, तो ये आ गया 1200 और 2200 हो गया, यानी और घटी और कॉस्ट घट गई, ठीक है, और कॉस्ट घट गई। अब आप और स्पीड बढ़ाइए V5, मतलब और हाई स्पीड कर दो, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो एज इट इज रहेगी, ये कॉस्ट नो डाउट बहुत कम हो जाएगी, ये हो जाएगी मान लो 700 हो गई, 600 हो गई, लेकिन अब टूलिंग कॉस्ट फिर से बढ़ने लगेगी, क्योंकि दोस्तों कल ही हमने पढ़ा है कि जैसे ही हम बहुत हाई स्पीड मशीनिंग करते हैं वैसे ही फिर टूल की कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो दोस्तों लेट अस अज्यूम ये टूलिंग कॉस्ट हो गई 800, चेक करना कितना हुआ दोस्तों, 700 और 800, 700 और 800 कितना हो गया, 1500, 1500 और 1000, 2500,
यानी देखिए पहले बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी, फिर स्पीड बढ़ा रहे तो कॉस्ट घटती गई, 2300 से 2600 हुई, 2600 से 2400 हुई, 2200 हुई, और फिर से बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी अब? क्योंकि अब टूलिंग कॉस्ट डोमिनेट करने लगेगी, अब टूलिंग कॉस्ट बढ़ने लगेगी, टूल की जो चेंजिंग कॉस्ट है वो बढ़ने लगेगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स ये डायग्राम क्या हो रहा है, ये कटिंग स्पीड बढ़ने के साथ साथ पहले नीचे आ रहा है, यानी टोटल कॉस्ट कटिंग स्पीड बढ़ने के साथ साथ कम होती है, घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि मशीनिंग कॉस्ट घटती है। फिर एक लेवल के बाद अगर स्पीड बहुत हाई करने लगते हैं हम लोग, तो फिर से ये टोटल कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है, ये क्यों पहले नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है? समझ में आया बेटा? तो जैसे जैसे बेटा हम कटिंग स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ये वाले जो नीली वाली कर्व है ना, सेकंड नंबर वाला जो कर्व है, ये एक्चुअली घटने लगेगा, इसीलिए कॉस्ट घटने लगेगी। लेकिन एक स्पीड के बाद फिर ये वाली जो दो कॉस्ट है, या तो चार वाली या तीन वाली, ये बढ़ने लगती है, इसीलिए फिर से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो ये डायग्राम, अगर पांचवा डायग्राम आपकी समझ में आ गया तो काइंडली यस और नो का रिप्लाई करके मुझे बता दो, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अरे नारायण सिंह भाई जी, ओ भैया ये कोई वो नहीं हो रहा मैथमेटिक्स की आप स्लोप निकालने बैठेंगे यहाँ पे, कोई स्लोप व्लोप नहीं निकालना है, नेगेटिव स्लोप है फिर पॉजिटिव स्लोप है, दिख रहा है साफ साफ उसमें, कोई स्लोप थोड़ी निकालनी है इसमें। चलो अब देखो दोस्तों, कुल मिला के मतलब समझो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों हमने इतना सब किया है, इसलिए किया है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हीट के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि दोस्तों स्लो स्पीड पे हम लोग मशीनिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं समझ जाइए आप, क्योंकि अगर हम स्लो स्पीड पे मशीनिंग करेंगे, मान लो मशीनिंग स्पीड स्लो है, तो कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने बताया, ये रहा 3100 आ रही है, फिर जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट घटने लगेगी, घटने लगेगी, घटने लगेगी, घटने लगेगी, और फिर अगर आप बहुत हाई स्पीड कर देंगे तो फिर से बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों ना तो हम मशीनिंग स्लो स्पीड पर करते हैं, ना ही हम मशीनिंग हाई स्पीड पर करते हैं, हम मशीनिंग उस स्पीड पर करते हैं जहां पे हम टोटल मिनिमम कॉस्ट मिले, हमें क्या मिले, टोटल मिनिमम कॉस्ट। तो दिस इज व्हाट, ये वो जगह है जहां पे हमें मिनिमम कॉस्ट मिल रही है, और यू कैन से ऑप्टिमम कॉस्ट मिल रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सीओ, सीओ का मतलब है ऑप्टिमम कॉस्ट, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलेगी, दिस इज द वी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वेलोसिटी, मतलब ना बहुत स्लो स्पीड ना बहुत हाई स्पीड, कैसी स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड। तो दोस्तों इसलिए स्लो स्पीड में मशीनिंग नहीं करते हैं, एक मीडियम स्पीड और यू कैन से ऑप्टिमम स्पीड पर मशीनिंग की जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि स्लो स्पीड में मशीनिंग नहीं करते, इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम हीट कौन ले जाता है, चिप ले जाता है। क्यों? क्योंकि जो मशीनिंग होती है वो ऑलमोस्ट मीडियम स्पीड के आसपास होती है। समझ गए दोस्तों? तो फटाफट से छाप लो इसको जल्दी, तब जय पटेल भाई करेंगे, जल्दी करेंगे, ठंड भाई है थोड़ी सी, टेंशन मत लीजिए, सारे एग्जाम अब डिले हो चुके हैं, गेट का एग्जाम भी डिले होगा, आईएएस का एग्जाम भी डिले होगा, इसलिए परेशान नहीं होना, पढ़ाई करते जाइए, सारे एग्जाम डिले होंगे अब कोरोना वायरस की वजह से। जो एग्जाम अभी मान लो जून में होना था, वो होगा सीधे अब सितंबर के अक्टूबर के आसपास। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो कुल मिला के सारा खेल होता है इस ऑप्टिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करना, कौन सी कॉस्ट, इस ऑप्टिमम कॉस्ट को निकालना। तो दोस्तों इसके कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, मतलब आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व हो जाए। तो हालांकि इतना पार्ट आपके पीएसयूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है कि ये कर्व क्या है, कैसे कॉस्ट जा रही है, कैसे आ रही है, बट मैं एक टॉपिक आपको कवर करके दे रहा हूँ जिसमें आपके गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा मुद्दा होता है ये वी ऑप्टिमम फाइंड आउट करना है कि ऑप्टिमम कटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है?
ऑप्टिमम कटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए वो हमें पता करना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ दो फॉर्मूले हैं वो आपको लिखा देता हूँ मैं। अब दोस्तों हर इंडस्ट्री दो उसूलों पर काम करती है, ठीक है, या तो वो कॉस्ट को मिनिमम करना चाहती है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए और प्रॉफिट मैक्सिमम होनी चाहिए, इन चीज़ों पे कोई भी कंपनी काम करती है। ठीक है, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, ये किसी भी इंडस्ट्री का उसूल होता है। तो देखिए दोस्तों आज आपको मैं दो टॉपिक्स में बताने जा रहा हूँ, अब किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड, ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन या आप इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, एक ही बात है ना। तो वो आपसे पूछेगा कि ऑप्टिमम कटिंग स्पीड बताइए फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन, मतलब हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है तो क्या ऑप्टिमम कटिंग स्पीड हम रखें। तो देखिए दोस्तों आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन, दैट इज वी टी टू द पावर एन इक्वल टू सी। अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे वी नॉट टी नॉट टू द पावर एन इक्वल टू सी, वेर वी नॉट इज वॉट ऑप्टिमम, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ऑप्टिमम कटिंग स्पीड। ठीक है, टी नॉट क्या है, ऑप्टिमम टूल लाइफ, ऑप्टिमम टूल लाइफ। तो अब मुद्दा यह है साहब कि ये वी नॉट कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि हमें ऑप्टिमम कटिंग स्पीड निकालनी है। मैंने अभी भी बताया आपको कि ना तो हम स्लो स्पीड पर मशीनिंग करेंगे ना ही पे हम वी नॉट पर मशीनिंग करेंगे, यानी कि ऑप्टिमम कटिंग स्पीड पे। तो वी नॉट कहाँ से निकलेगा, वी नॉट इसी फॉर्मूले से निकलेगा। यस, अब यहाँ पर टी नॉट और पता चले हमें। दोस्तों ऑप्टिमम कटिंग स्पीड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा टी नॉट। ठीक है, तो ऑप्टिमम टूल लाइफ, नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑप्टिमम टूल लाइफ किसके लिए, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन का फॉर्मूला याद कर लो दोस्तों, टी नॉट इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन इंटू टी सी, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चलेगा, इस फॉर्मूले से आपको टी नॉट पता चलेगा और इस टी नॉट की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर देंगे इस दर, तो वहां से आपको वी नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। वेयर टी सी इज वॉट, टी सी इज द टूल चेंजिंग टाइम, टूल को चेंज करने में लगने वाला समय। टूल लाइफ नहीं है ये, टूल चेंजिंग टाइम है, माइंड इट प्लीज, टूल लाइफ मत समझ लेना इसको, टी सी को, टी सी इज द टूल चेंजिंग टाइम। छापिए फटाफट, एन बेटा वही है कल वाला एक्सपोनेंट जो था, पवन पटनायक, ये वही, यही एक्सपोनेंट है, यही वी टू द पावर एन वाला, टी टू द पावर एन, यही एक्सपोनेंट एन है, ये कुछ और नहीं है, सेम वही एक्सपोनेंट एन है। यहां पे आप पुट करिए और यहां से आप फिर टी नोट निकालिए पहले, और टी नोट को इस यहां पुट कर दिए थे, वहां से वी नोट निकालिए, खत्म। तो ये किसके लिए है पहले समझना पड़ेगा आपको, ये है कब ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए है ये, यस, या मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए है, या यू कैन से मिनिमम प्रोडक्शन टाइम के लिए है। एक और एक तरीके से और पूछेगा वो आपसे पूछेगा ऑप्टिमम स्पीड बताइए फॉर मैक्सिमम, फॉर मिनिमम कॉस्ट, किसके लिए, मिनिमम कॉस्ट। एग्जैक्टली, टीसी का मतलब टूल चेंजिंग टाइम, यमन आफले, ठीक है,
टूल चेंजिंग टाइम। भाई साहब विक्रम कुमार जी, रीग्राइंड करके लाओगे तो उसको चेंज तो करोगे ना, उसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा भाई साहब बाबूजी। और फिर सबसे बड़ी चीज ये क्या है, हम अब मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये बिल्कुल क्रैश कोर्स है, सुनिए। और ये मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हमें इस वक्त मतलब नहीं है कॉस्ट, कॉस्ट से हमें मतलब प्रोडक्शन से। पहली चीज प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको टीसी लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब वो आपसे पूछेगा कि ऑप्टिमम कटिंग स्पीड बताइए मिनिमम कॉस्ट के लिए। किसके लिए? मिनिमम कॉस्ट। दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। मिनिमम कॉस्ट के लिए आपसे पूछेगा बताइए। तो दोस्तों अगेन अब इसका फॉर्मूला लिख लो। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए पहले हम निकालेंगे ऑप्टिमम टूल लाइफ। पहले ऑप्टिमम टूल लाइफ निकाल लेते हैं। ऑप्टिमम टूल लाइफ, तो ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर द मिनिमम कॉस्ट इज टी नॉट इक्वल टू 1/(n-1)। देखिए रटिए मत, अभी क्या था फॉर्मूला? 1/(n-1)(TC)। अब उसी तरह से याद करेंगे इसको, 1/(n-1)(TC), लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट और है। अब TC प्लस CT/CM। अभी CT/CM क्या है भाई? बाकी सारी चीज़ें वही है पिछले फॉर्मूले में जो यूज हुई थी भाई। यहाँ पे दो नए टर्म आ गए, एक CT आ गया, एक CM आ गया। वायर CT इज टूलिंग कॉस्ट। CT क्या है? CT इज टूलिंग कॉस्ट। ये टूलिंग कॉस्ट होगा दोस्तों, और इसकी जो यूनिट होगी वो रुपीज में होगी। CM क्या है? CM होगा मशीनिंग कॉस्ट। इसकी यूनिट होगी रुपीस पर मिनट में। TC की यूनिट किसमें होगी? मिनट में। तो यहां से दोस्तों आप टी नॉट निकाल लेंगे, और टी नॉट को फाइंड आउट करने के बाद अगेन वी नॉट टी नॉट टू दी पावर एन इक्वल टू सी में पुट कर देंगे। इस वैल्यू को, टी नॉट की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, और यहां से आपको क्या पता चल जाएगा? वी नॉट। छापिए फटाफट, खत्म। यस, CT का मतलब है टूलिंग कॉस्ट, और मशीनिंग कॉस्ट का मतलब है, और CM का मतलब है मशीनिंग कॉस्ट, रुपीज पर मिनट। इस पे जाके क्वेश्चन लगाइए आज एक बार, क्वेश्चन आपके सारे लग जाएंगे। गेट में आया हुआ है ये, बाकी PSUs में नहीं आएगा बेटा। इस तरह का कोई भी पार्ट PSUs में नहीं आएगा। मे भी फॉर्मूला पूछ ले, फॉर्मूला याद रखेंगे बस। क्वेश्चन वोश्चन कभी भी PSUs में इस वाले टॉपिक से नहीं आएगा। ये गेट के लिए स्पेशली है ना, बट मे भी फॉर्मूला पूछ ले, इसलिए आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। डन। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जो गेट 2014 में आया था। गेट 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। देखिए गेट की औकात क्या होती है। आप गेट के पेपर से बहुत डरते हो ना, 54 भर का पेपर होता है गेट का, बस सिलेक्शन क्यों नहीं होते? गलतियों की वजह से। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन टूल चेंजिंग टाइम, टूल चेंजिंग टाइम इज 1.5 मिनट्स। टेलर्स
टू लाइफ एक्सपोनेंट, टेलर्स टू लाइफ एक्सपोनेंट इज 0.2। डिटरमाइन ऑप्टिमम टू लाइफ फॉर, डिटरमाइन ऑप्टिमम टू लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन गेट 2014 का है। देखिए जरा इसकी औकात, देखिए क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में एग्जैक्टली इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, आंसर बताइए फटाफट से। डिटरमाइन ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। क्या बात है, सबका आंसर आ गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों गेट में आया हुआ है। क्या है इस क्वेश्चन में, शाबाश। तो टी नॉट इक्वल टू 1/(n-1) इंटू टी सी, ये करना है बस, आंसर आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो 0.2-1 इंटू टी सी दिया है 1.5, इसको सॉल्व कर लिया, 0.2/1 हो जाएगा 10/2 यानी 5, 5, 4, 4 × 1.5, 6, 6 मिनट आंसर आ रहा है, खत्म। 2 नंबर पक्के, तो पढ़ोगे तब तो आएंगे ना 2 नंबर पक्के। तो बेटा गेट के अगर आपको फॉर्मूले याद है ना गेट के अंदर, तो बहुत कुछ हो सकता है। गेट के पेपर से डरा मत करो, 54 भर का क्वेश्चन था ये, गेट के पेपर में आया था ये। चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आई होप कि इतने टॉपिक अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर पीएसयूज में क्वेश्चन बनता है, तो बात करेंगे सरफेस फिनिश की। बेसिकली दोस्तों सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन है वो टर्निंग पूछा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं टर्निंग ऑपरेशन में सरफेस फिनिश की। तो देखिए दोस्तों सरफेस फिनिश इन टर्निंग ऑपरेशन किस तरह से दी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडल सरफेस की। किसकी, आइडल सरफेस। सुजीत भाई सब कुछ याद हो सकता है यार, कुछ अगर करना है आपको तो सब कुछ करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, सब कुछ याद रखना पड़ेगा बेटा। अदरवाइज तो हम ये सोचेंगे कि भाई कैसे याद रखें, तो फिर हम कभी कोई एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। भाई जो याद रख पाता वही तो एग्जाम क्रैक करता है। तो अगर आपका मोटिव कोई एग्जाम को क्रैक करना है तो यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग, और सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, सब कुछ याद होगा, बशर्ते आप मन में बैठा लें कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। आप पहले हार मान लोगे बेटा तो फिर कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों सरफेस फिनिश की बात करते हैं। सरफेस फिनिश तो दो तरह से क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। देखिए व्हेन टूल नोज रेडियस, टूल नोज रेडियस इक्वल टू 0, जब टूल की नोज रेडियस 0 होगी तो सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश का मतलब क्या होता है, कल भी मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ दोस्तों। सरफेस फिनिश इज वॉट, इस तरह से अगर आप किसी सरफेस को देखें तो वो इस तरह से उबड़ खाबड़ होती है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से वो उबड़ खाबड़ सरफेस आपको मिलती है। तो बात करते हैं दोस्तों जनरली मैक्सिमम की, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, मैक्सिमम सरफेस रफनेस कितनी है। एक सेकेंड, लेट मी, ये सरफेस रफनेस है। तो दोस्तों मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, शायद पहले बात कर रहे थे हम लोग सरफेस फिनिश के बारे में। तो सरफेस फिनिश हमेशा रफनेस के टर्म में दी जाती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, तो रफनेस, पहले रफनेस की बात करेंगे। रफनेस हाइट के टर्म में दी जाती है, बताया था मैंने आपको। तो ये होता है, इसको बोलते हैं पीक,
PEEK, पीक का मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द सरफेस रफनेस, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं वैली, दिस द डीपेस्ट पॉइंट इन द सरफेस रफनेस। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड एच मैक्स, या आप इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम सरफेस रफनेस। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम सरफेस रफनेस। ठीक, तो जब टूल की नोज रेडियस 0 होती है तो सरफेस रफनेस एच मैक्स इज गिवन बाई एफ, एफ इज द फीड रेट। अब दोस्तों याद करो, कल मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे, यहाँ लिखवाता हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था शीयर स्ट्रेन का। शीयर स्ट्रेन क्या होती है? देखिए मुझे, मैं आप देखो क्या होता है, मैं क्यों ट्रिक्स बताता हूँ आपको। मुझे एच मैक्स का फॉर्मूला याद नहीं है, लिटरली याद नहीं है, मुझे एच मैक्स का फॉर्मूला याद नहीं, लेकिन मुझे ट्रिक याद है। और अगर मुझे ट्रिक याद है तो देखिए अपने आप लिख दूंगा इस फॉर्मूले को। क्या ट्रिक है समझाता हूँ। कल मैंने आपको लिखवाया था, देखिए जब मैंने अपने टाइम में जब तैयारी करता था मैं, तो मैंने किस तरह से इस फॉर्मूले को याद किया था वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो सी डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था सरफेस शियर स्ट्रेन का, दैट इज अ कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा। और इसी सिक्वेंस में इसको हम याद भी करते हैं, कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा। तो दोस्तों यहाँ पे कॉट पहले आ रहा है, टेन बाद में आ रहा है, तो मैंने इस फॉर्मूले को इसी तरह से रटा कि यहाँ पे कॉट पहले आएगा और टेन बाद में आएगा, इस तरह से मैंने इसको रटा। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हम किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ईएस की, इंजीनियरिंग सर्विस। याद करिए, एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया, एक ट्रिक लिखाई थी, BS ES ES R, याद आ रहा है? BS ES ES R, तो ES ES, तो बेटा यहाँ पे लगा दो E, यहाँ पे लगा दो S। इस तरह से मैंने इसको फॉर्मूले को याद किया था दोस्तों, कि पहले ई आएगा फिर एस आएगा। तो मुझे आज भी याद है और ये बिल्कुल परम सत्य फॉर्मूला है। अब ये ई क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये ई है एंड कटिंग एज एंगल और ये साइड कटिंग एज एंगल। ठीक, तो कुल मिला के जो मैक्सिमम एच मैक्स की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई दोस्तों, एच मैक्स की जो वैल्यू आ गई, एच मैक्स दैट इज अ मैक्सिमम सरफेस रफनेस इज इक्वल टू फीड अपॉन कॉट साई ई प्लस टेन साई एस। ये वही कल वाले एंगल है जो पढ़ाए थे मैंने। जिन बच्चों ने कल के वीडियो नहीं देखे, देख लो बेटा, एटलीस्ट कल का और आज का वीडियो देख लोगे तो बहुत बढ़िया तरह से मैंने मेटल कटिंग पढ़ाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बेटा। हरीश जांगड़ा ट्रिक देवता, धन्यवाद भाई साहब। हाँ बेटा, इसमें कई सारे एनालिसिस हैं, यमन आफले सरफेस को मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। कई बार दोस्तों आपसे एवरेज सरफेस रफनेस पूछी जाएगी, एवरेज, ठीक है, तो रफनेस एवरेज, ठीक है, एवरेज रफनेस जब आपसे पूछी जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, एच एवरेज का मतलब हो जाएगा एच मैक्स बाई फोर। ठीक है, एच मैक्स बाई फोर, तो आप फाइनली यहाँ पे एच मैक्स बाई फोर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच एवरेज इज एच मैक्स बाई फोर। एच मैक्स की वैल्यू ये है, यानी कि एफ बाई फोर, और अंदर आ जाएगा कॉट साई ई प्लस टेन साई एस, खत्म। विक्रम कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार पटनायक डॉन ऑफ प्रोडक्शन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। स्पेशल क्लास और देखा करो मेरी, स्पेशल क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाता हूँ मैं, मतलब वो भी फ्री क्लासेस होती हैं, वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मान लो जिनको नहीं, जिनके पास मतलब नहीं पैसे हो पा रहे हैं, तो स्पेशल क्लासेस देखो, बहुत आपको फायदा होगा उससे। बजरंगी कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच डियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था दोस्तों कब जब टूल की नोज रेडियस 0 होगी, ध्यान रखिएगा, और ये बेसिकली आइडियल केस है, ये आइडियल केस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आइडियल केस, क्यों बोला जाता है आइडियल केस, क्योंकि टूल की नोज रेडियस कभी 0 हो ही नहीं सकती, तो ये बेसिकली एक तरह का आइडियल केस है। और इस केस में दोस्तों आपको टूल की नोज रेडियस दी नहीं जाएगी, आपको ये एंगल दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम सरफेस रफनेस बताइए, तो
तो आप इस तरह से बता देंगे, ठीक है? चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मजा आ रहा है ना, बस पढ़ते जाइए आप लोग। अब देखो आगे, जब टूल की नोज रेडियस जी होगी, सेकंड केस, व्हेन टूल नोज रेडियस, टूल नोज रेडियस इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब टूल की नोज रेडियस जीरो ना हो, उस केस में दोस्तों एच मैक्स, वही सेम चीज, हाइट मैक्सिमम इज गिवन बाय एफ स्क्वायर बाई एट आर, एफ स्क्वायर बाई एट आर। बेटा ये एफ क्या था पिछले पार्ट में, ये एफ फीड रेट है ना, ध्यान रखना ये फीड रेट है, क्योंकि सरफेस फिनिश फीड रेट पे डिपेंड करती है, फीड है ये। सिमिलरली यहाँ पे भी ये फीड है, ठीक। तो एच मैक्स इज एफ स्क्वायर बाई एट आर, वेयर एफ इज अगेन फीड रेट एंड आर, आर क्या दोस्तों, आर है टूल की नोज रेडियस, टूल की नोज रेडियस। नाउ अब बात करो दोस्तों एवरेज की, एवरेज भी पूछ सकता है इसमें वो, तो एच एवरेज इन दिस केस इज गिवन बाय एफ स्क्वायर बाय 18√3R, ठीक है, 18√3R याद रखेंगे, एफ स्क्वायर बाय 18√3R, ये एवरेज है बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीएसयूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गेट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इस पर क्वेश्चन लगा के देखिए आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अगेन हियर दिस इज अ फीड, बाकी अगेन नोज रेडियस है। अब दोस्तों ये तो रफनेस है, वो सरफेस फिनिश के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सुन लो ध्यान से, गलती कर देंगे आप लोग। वो पूछेगा आपसे कि भैया नोज रेडियस इतनी है, फीड रेट इतनी है, और उस टाइम पे मतलब फीड रेट मान लो आपको दे देगा और नोज रेडियस दे देगा, फिर बोलेगा नेक्स्ट स्टेप में कि फीड रेट बढ़ा दी गई है और नोज रेडियस मान लो उतनी है, तो बताइए सरफेस फिनिश में क्या अंतर पड़ेगा। तो माई डियर फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, माई डियर फ्रेंड लिसन केयरफुली, याद रखना है आपको, क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि जो सरफेस फिनिश होगी, सरफेस फिनिश का कैसा रिलेशन होगा रफनेस के साथ, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स, यानी जितनी रफनेस कम होगी उतनी सरफेस फिनिश अच्छी होगी, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम देख लेना कि वो रफनेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिनिश पे पूछ रहा है। मैंने भी टॉपिक क्या लिखवाया, फिनिश लिखवाया, लेकिन मैं पढ़ा क्या रहा हूँ रफनेस, तो उल्टा रहेगा, ध्यान रखना। पहले आपको एच मैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को डील करिएगा, और गलत मत कर दीजिएगा, नहीं तो गुड़ गोबर बराबर हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा रफनेस होगी सरफेस फिनिश उतनी खराब होगी, जितनी कम रफनेस होगी सरफेस फिनिश उतनी अच्छी होगी, सिंपल। पोएम पवन कुमार पटनायक, वेरी सून, वेरी सून, डोंट वरी दोस्तों। अब एक चीज़ आप ये भी समझिए कि इस लॉकडाउन की वजह से सारे एग्जाम डिले हो रहे हैं, तो अब मैं आपको क्रैश कोर्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि कुछ टॉपिक मैं ऐसे भी कवर कर दूँ जो क्रैश कोर्स से हटके हैं। इसलिए पवन कुमार पटनायक मैं समय थोड़ा ज़्यादा जरूर लूँगा, लेकिन एक एक कंसेप्ट ऐसा पढ़ाऊंगा कि मज़ा आएगा आपको, ठीक। तो मुझे मुझे पढ़ाने दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका जो अभी होना था वो अभी नहीं हो रहा, आराम से डिले हो गया वो, तो पढ़ो आप फ्री में, पढ़ो आराम से, मजे लो सारे के सारे। पूछ सकता है भूपेंद्र प्रताप, पूछ सकता है, बट जनरली इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं गए। कोई फॉर्मूला पूछता है कि भाई पीएसयू फॉर्मूला पूछ लेगा कि अगर भैया टर्निंग कर रहे हैं, फीड रेट इतनी है, नोज रेडियस इतनी है, तो बताइए मैक्सिमम सरफेस रफनेस कितनी होगी, इस तरह का फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है। या ये पूछ लेगा कि फीड को बढ़ा दिया गया, बताइए सरफेस रफनेस पर क्या असर पड़ेगा, तो उस तरह से पूछ सकता है बेटा, बाकी कुछ भी बन सकता है बेटा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यमन आफले, सरफेस रफनेस, सरफेस के ऊपर मैंने कुछ पार्ट अभी परसों भी पढ़ाया था, ठीक है। तो परसों भी मैंने सरफेस के ऊपर एक टॉपिक लिया था, हाँ अनूप सिंह बिल्कुल। तो यमन आफले एक बार उसको देख लो, तो क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी वो सफिशिएंट है, वरना बाकी अगर तुम्हें लगता है तो मैं यहाँ भी कवर कर लूंगा बाद में, बट वो क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट, मैंने पढ़ा दिया पहले ही। अनूप सिंह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, रफनेस निकालकर इन्वर्स कर देंगे और फिनिशिंग के लिए, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक।
अब देखिए दोस्तों, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है पेपर के अंदर, पीएसयू के पेपर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सामने देखेंगे। टॉपिक का नाम है मशीनेबिलिटी, ठीक है? क्या नाम है टॉपिक का? मशीनेबिलिटी। समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर है? बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है? क्लियर है? ठीक, किसी बच्चे ने लिखा था बफिंग। चलो एनीवेज, तो द टॉपिक इज मशीनेबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? मशीनेबिलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मशीनेबिलिटी। इस टॉपिक को और पढ़िए, समझिए दोस्तों। एक नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर पीएसयू मशीनेबिलिटी के ऊपर पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं बताऊंगा आगे। तो मशीनेबिलिटी क्या है? सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मशीनेबिलिटी। और कल से हम लोग मशीनिंग ही पढ़ रहे हैं, मेटल कटिंग का दूसरा नाम है मशीनिंग, मशीनिंग। तो मशीनिंग ही पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मशीनेबिलिटी, लिसन केयरफुली। तो इन सिंपल लैंग्वेज बात करें तो मशीनेबिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बीइंग कट, जो आसानी से कट जाए। ईज ऑफ द मशीनिंग, इन सिंपल लैंग्वेज इट इज द ईज ऑफ द मशीनिंग, कि कोई मटेरियल कितनी आसानी से कट रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईज ऑफ मशीनिंग, ठीक है? तो इट इज द एबिलिटी ऑफ बीइंग मशीन्ड, इट इज दी एबिलिटी ऑफ बीइंग मशीन्ड, मतलब कितनी आसानी से कोई चीज कट जा रही है। मशीन्ड का मतलब कट जाना, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ बीइंग मशीन्ड, या दूसरा नाम इसको हम सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, इट इज द ईज ऑफ मशीनिंग। ईज ऑफ मशीनिंग, कितनी आसानी से हम लोग मशीनिंग कर पा रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वॉट इज द मशीनेबिलिटी? तो मशीनेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मशीन, या इन अदर लैंग्वेज इट इज द ईज ऑफ द मशीनिंग, कि कोई कोई मटेरियल कितनी आसानी से कट जा रहा है, कोई मटेरियल को हम कितनी आसानी से काट के उसको डिफरेंट शेप दे पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द मशीनिंग। तो कोई अगर बहुत आसानी से कट जा रहा है तो हम बोलेंगे अच्छा मशीनेबल है वो। कोई अगर आसानी से नहीं कट रहा है, दिक्कत दे रहा है, उसका मतलब वो मशीनेबल कम है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इस पे कुछ जजमेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम मशीनेबिलिटी को जज कर सकते हैं, माइंड इट प्लीज, या मैं बोलूँ कि मशीनेबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर से मशीनेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक, कि कैसे हम मशीनेबिलिटी को जज करें। तो देखिए दोस्तों, मशीनेबिलिटी कैन बी जज्ड और द कैन बी चेक्ड बाय, मशीनेबिलिटी कैन बी जज्ड बाय, ठीक है, कैन बी जज्ड बाय, और यू कैन से कैन बी चेक्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो द वेरी फर्स्ट इज, नंबर वन इज टूल लाइफ, सबसे पहला टूल लाइफ। यस, सही सुना आपने, टूल लाइफ। टूल की लाइफ से हम मशीनेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, मशीनेबिलिटी को जज कर सकते हैं, ठीक है? टूल लाइफ से हम मशीनेबिलिटी को जज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बड़ा ही आसान है इसको समझना। सुजीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका, आपने इतना बड़ा कमेंट मेरे लिए किया है, मैं जिंदगी भर इसे याद रखूंगा। नाउ टूल लाइफ, कैसे टूल लाइफ से मशीनेबिलिटी को जज करें, समझिए अब ध्यान से। सबकी निगाह सामने रहेगी, हाउ कैन वी जज द टूल लाइफ फ्रॉम द हाउ कैन वी जज द मशीनेबिलिटी फ्रॉम द टूल लाइफ। तो सी केयरफुली डियर फ्रेंड्स, कैसे हम टूल लाइफ से मशीनेबिलिटी को जज करें। लेट अस अज्यूम मेरे पास दो मटेरियल है, एक है मटेरियल एम वन, एक है मटेरियल एम वन और एक है मटेरियल एम टू, एक है मटेरियल एम टू, ये दो डिफरेंट मटेरियल है और मेरे पास एक टूल है। इस टूल से मैंने काम किया मशीन मटेरियल एम वन पे, सी कर बोली, इस टूल से मैंने काम किया मटेरियल एम वन पे और मैंने देखा कि ये टूल 20 मिनट बाद खराब हो गया, यानी
यानी कि M1 पे काम करने पे कितना समय, कितने कितनी टूल लाइफ मिली मुझे, 20 मिनट। कितनी टूल लाइफ मिली, 20 मिनट। अब मैंने उसी तरह के सेम दूसरे टूल से वही सेम काम मैंने M2 मटेरियल पे किया, दूसरे मटेरियल पे किया, ठीक है, उसी मटेरियल के टूल से, बिल्कुल वही सेम, सारे एंगल थे उसके ऊपर, एवरीथिंग इज सेम, और सेम काम किया। मान लो जो काम मैंने M1 मटेरियल पे किया था, वही काम मैंने M2 मटेरियल पे किया, और इस बार मुझे टूल लाइफ मिली 60 मिनट। कितनी मिली, 60 मिनट। इस बात से क्या पता चला हमें, इस बात से क्या पता चला, इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि जो जो M1 मटेरियल है वो टूल को जल्दी खराब कर रहा है, और M2 मटेरियल टूल को देर में खराब कर रहा है। यही तो पता चला हमें, हमें क्या पता चला, जो M1 मटेरियल है वो टूल को जल्दी खराब कर दे रहा है, 20 मिनट लाइफ मिल रही है हमें, और M2 टूल को देर में खराब कर रहा है, वहां पे हमें ज्यादा लाइफ मिल रही है सेम काम को करने पे। इस बात का साफ साफ सा मतलब है, हमने मशीनेबिलिटी जज कर ली कि साहब जो M2 है वो अपनी मशीनेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर मशीनेबिलिटी ज्यादा है, वो आसानी से कट जा रहा है, इसीलिए ज्यादा टूल लाइफ मिल रही है। तो हमने जज कर लिया कि M2 इज मोर मशीनेबल देन M1। तो क्या पता चला हमें यहाँ पे, टूल लाइफ से कैसे पता चल गया हमें, हमें पता चल गया कि M2 इज मोर मशीनेबल देन M1। इज इट क्लियर? तो कोई मटेरियल अगर टूल की लाइफ ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा मशीनेबल है। क्या बात है गौतम कट्टा जी, मजा आ गया साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यमन आप ले, बिल्कुल ठीक बैठे, शाबाश। तो ये तो हो गया दोस्तों टूल लाइफ के रेस्पेक्ट में। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट, और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, केवल टूल लाइफ ही पैरामीटर नहीं है, और भी चीजों से जज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स से भी हम लोग जज कर सकते हैं, कैसे, देखिए सेम वही चीज, एक मटेरियल M1 है, एक मटेरियल M2 है। मैंने M1 मटेरियल पे काम किया, तो उसको काम करने के लिए मुझे कटिंग फोर्स लगाना पड़ा 500 न्यूटन। वही काम जब मैंने M1 पे किया, तो इसके लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा 1200 न्यूटन। समझिए ध्यान से, यानी कि M1 पे जब मैंने काम किया तो वो 500 न्यूटन में हो गया, लेकिन वही सेम काम जब मैंने M2 पे किया तो मुझे 1200 न्यूटन लगाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आसानी से नहीं कट रहा है, ये डिफिकल्ट टू मशीन है, इसीलिए ज्यादा फोर्स मांग रहा है। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ दोस्तों, यहां से ये प्रूफ हुआ विद द हेल्प ऑफ कटिंग फोर्स हमने पता लगा लिया क्या, कि M1 इज मोर मशीनेबल देन M2। सिंपल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, M1 ज्यादा मशीनेबल। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट, तीसरा पार्ट, चेंज इन टेम्परेचर। यस, चेंज इन टेम्परेचर से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा मशीनेबल है कौन नहीं है। सेम, बिल्कुल सेम कंसेप्ट, एक मटेरियल कोई M1 है, एक मटेरियल कोई M2 है, एक मटेरियल M1, एक मटेरियल M2। क्या किया गया साहब, इन पर काम किया गया। तो जब मैंने M1 पे काम किया तो मैंने देखा जो मशीनिंग टेम्परेचर था उसमें चेंज आया, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब मैंने M2 पे काम किया तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ उसी सेम काम को करने में, यानी यहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई। इस बात का क्या मतलब है, M2 अपनी कटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा विरोध कर रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर डेवलप कर रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि M2 इज लेस मशीनेबल, M1 इज मोर मशीनेबल, मतलब ये कटने में ज्यादा दिक्कत कर रहा है इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर से भी पता लगा सकते हो। तो यहां पे क्या पता चला हमें, M1 इज मोर मशीनेबल देन M2। चौथा देखिए नेक्स्ट पार्ट, सरफेस फिनिश। जी हाँ, सरफेस फिनिश से भी पता लगा सकते हैं हम, कैसे, जब मैंने M1 को मशीन किया तो इस तरह की सरफेस मिली, ऊबड़ खाबड़, और जब मैंने M2 को मशीन किया तो बहुत ही स्मूथ सरफेस मिली, लाइक दिस, ठीक है। तो क्या पता चला, जो मटेरियल अच्छी सरफेस फिनिश दे रहा है, मतलब वो आसानी से कट रहा है, अच्छी सरफेस दे रहा है, अगर अगर आसानी से नहीं कटता तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती और चिप भी खराब बनती उसमें, है ना, तो सरफेस फिनिश बेकार होती। तो यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि M2
M2 इज मोर मशीनेबल देन M1 क्योंकि वो अच्छी सरफेस फिनिश दे रहा है। तो जो गुड सरफेस फिनिश दे रहा है इसका मतलब वो अपनी कटने अपने कटने को सपोर्ट कर रहा है, वो चाहता है कि काट दो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब उसकी मशीनेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों ये सुजीत भाई जी बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू चिप, बिल्कुल ठीक बेटा, चिप फॉर्मेशन से भी पता कर सकते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट लिख लो आप, चिप फॉर्मेशन, ये भी कई बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। चिप फॉर्मेशन, M2 पे आपने काम M1 पे काम किया और वही सेम काम आपने M2 पे किया, जब आपने M1 पे काम किया तो बड़े आसानी से चिप बन गया बेटा, बहुत आसानी से बढ़िया चिप बन गया। लेकिन जब M2 को हम बना रहे हैं तो चिप बनने में बड़ी दिक्कत हो रही है, टूट जा रही है बार बार और सरफेस फिनिश खराब हो जा रही है, चिप बन ही नहीं पा रही है, उबड़ खाबड़ चिप बन रही है। फॉर एग्जाम्पल आसानी से चिप फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, जब आसानी से चिप ही नहीं निकल रही इसका मतलब मेटल भी आसानी से नहीं कट रहा होगा। तो इससे क्या प्रूव हुआ, अगर चिप फॉर्मेशन अगर ईजी है, चिप फॉर्मेशन अगर ईजी है और चिप फॉर्मेशन अगर डिफिकल्ट है, हाँ भाई गौरव शर्मा ये आपके लिए नंबर लिखा था मैंने यहाँ पे। हाँ गौरव शर्मा जी ये नंबर मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है आप कॉल करिएगा, सब समझाता हूँ मैं क्या करना है क्या नहीं करना, कितनी रैंक लानी है कितनी नहीं लानी है। अब आ गया भाई, क्लियर हो गया अब। चलिए अब दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक बेहतरीन ट्रिक जिसको सुन के आपको मजे आ जाएंगे, उस ट्रिक को एक बार देख लो। वो ट्रिक क्या है बेटा, बफरिंग तो नहीं कर रहा, आप बताओ फटाफट से मुझे, फिर कर रहा बफरिंग? भाई बफरिंग तो नहीं कर रहा कि अभी भी कर रहा है? चलो 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 कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मशीनेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, लेट मी चेक, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 मिनट, नेटवर्क कनेक्शन तो ठीक है भाई, बढ़िया चल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास, नेटवर्क में तो दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। हाँ थोड़ी सी, यस 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 सही कह रहे हो आप, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, यस यस। चलो अब आई थिंक ठीक है ना, वन मिनट मैं इसको फिक्स करता हूँ, होल्ड करें। दोस्तों आप कैसा बताइए, नाउ इट इज क्लियर, अब आ रही है आवाज? चलो अब ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब ठीक है, तो अब सुनिए फटाफट से मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक ट्रिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और इस ट्रिक से आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे PSUs के अंदर, या आगे काम में आएगा ट्रिक आपकी, सबको नज़र आ रहा है ना दोस्तों? चलो
तो दोस्तों मशीनेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आता है कई बार गेट के पेपर में या कई सारे पीएसयूज के अंदर, खासतौर से पीएसयूज के अंदर ज़्यादा आता है ये। तो एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, फिर आप ट्रिक को सुन लीजिए सारे लोग ध्यान से कि व्हाट इज़ दैट ट्रिक, क्या ट्रिक है वो। और ये कई सारे पीएसयूज के अंदर आती है, पीएसयूज के अंदर पूछा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शुड बी एडेड इन स्टील टू इंक्रीज इट्स मशीनेबिलिटी। क्या पूछा जाएगा आपसे, विच एलिमेंट शुड बी एडेड इन स्टील, विच एलिमेंट शुड बी एडेड इन स्टील टू इंक्रीज इट्स मशीनेबिलिटी। ठीक है, टू इंक्रीज इट्स मशीनेबिलिटी, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सुजीत ने आंसर किया मैग्नीज, क्या बात है, बिल्कुल ठीक आंसर है। दोस्तों पहले मुझे ये बता दो क्लियर आ रहा है कि नहीं, वरना ट्रिक की ऐसी तैसी हो जाएगी। आ रहा है ना, चलो। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि विच एलिमेंट शुड बी एडेड इन स्टील टू इंक्रीज इट्स मशीनेबिलिटी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हम स्टील में मिलाएं जिससे उसकी मशीनेबिलिटी बढ़े। और सुजीत भाई ने आंसर किया है कि मैगनीज मिला दो साहब, मैगनीज मिला दो जिससे उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक आंसर है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए बी सी डी, उनमें मैगनीज है ही नहीं। उन चार ऑप्शन में मैगनीज है ही नहीं साहब, अब क्या किया जाए, उन चार ऑप्शन में मैगनीज है ही नहीं, अब क्या करोगे आप। तो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रिक, उस ट्रिक को याद कर लेना, वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। अब दोस्तों पहले मुझे उस ट्रिक को समझाने के लिए एक कहानी गढ़नी पड़ेगी, कहानी समझानी पड़ेगी पहले आपको, वो ट्रिक क्या, सुनो दोस्तों। मशीनेबिलिटी का मतलब क्या है, मशीनेबिलिटी का मतलब क्या है, मशीनेबिलिटी का मतलब है मटेरियल को जैसा काटना चाहे वैसा कट जाए, जिस शेप में काटना चाहे वैसा कट जाए, यही मतलब है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी का मीनिंग है कि जैसा मैं मटेरियल को काटना चाहूं वैसा वो कट जाए, यस और नो, यही मतलब है ना, जैसा हम उसको काटना चाहे वैसा वो कट जाए। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम मटेरियल को जैसा बोले वैसा वो कर ले। क्या मैं इस तरह से इसको रिलेट कर सकता हूँ, ट्रिक बना रहा हूँ, देखिए। मशीनेबिलिटी का मतलब है जैसा मटेरियल से बोले वैसा वो कर ले, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक ऐसे नहीं बनती हवा में, तो मैं एक लिंक बना रहा हूँ कि कैसे इसको आपको याद करना है, कि कल को आपसे मशीनेबिलिटी पूछी जाए तो आप कैसे उस ट्रिक को याद करें, समझिए ध्यान से। तो मशीनेबिलिटी का मतलब है कि जैसा हम मटेरियल को काटना चाहें वैसा वो कटे, जैसा मटेरियल को हम काटना चाहें वैसा वो कटे, यानी हम जैसा मेटल को काटना चाहते हैं वैसा वो कटे। इस बात का मतलब कि मटेरियल हमारी बात माने, हमने कहा भैया इतना कटना है तो इतना चुपचाप से कट जाए, यही तो मशीनेबिलिटी है। यस और नो, रिप्लाई चाहिए आपकी तरफ से मुझे, यस और नो। जैसा हम मटेरियल को समझाएं कि भैया तू पहले ऐसा था, अब तुझे हमें ऐसा करना है, तुझे हमें टर्निंग करके ऐसा कर देना, यानी मटेरियल हमारी बात मान ले, यही तो मतलब हुआ मशीनेबिलिटी का। तो दोस्तों मशीनेबिलिटी को मैं लिंक करने जा रहा हूं बात मानने से, कि जैसा हम मटेरियल को समझाएं वैसा वो चुपचाप से कट जाए। अगर वो नहीं कट रहा इसका मतलब वो मशीनेबल नहीं है, और वो कट जा रहा है इसका मतलब मशीनेबल है, यानी मटेरियल हमारी बात मान ले। अब दोस्तों हमारी बात एक्चुअल में, अब इसको रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से, हमारी बात कौन मानता है, हमारी बात कि हम बोले भैया ये काम करते चुपचाप से। आपके आपकी लाइफ में ऐसा कौन बंदा या बंदी है, या कोई भी ऐसी चीज, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप बोलें कि भाई ये काम कर दे और वो चुपचाप से कर दे बिना क्वेश्चन किए, मतलब वो चुपचाप से आपकी बात मान ले, कौन मानता आपकी बात, जल्दी बताइए कौन मानता आपकी बात। देखिए मशीनेबिलिटी का मतलब है कि मेटल को हमने समझाया कि भैया तो ये ऐसे ऐसे कटना, वो चुपचाप से कट जाए, उसको हम बोलेंगे मशीनेबिलिटी, यानी मेटल हमारी बात मान ले। उसी तरह से दोस्तों हमारी बात कौन मानता है, अगर रियल लाइफ में बात करें तो आपने बोला कि भैया ऐसा कौन है आपकी लाइफ में जो चुपचाप से आपकी बात मान लेगा, जल्दी बताओ जरा। गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं मानेगी, और बताइए, गलत आंसर, छोटा भाई, यस ये बच्चा सही जा रहा है, छोटा भाई या बहन, बिल्कुल ठीक। यमन आपने ने बोला छोटा भाई या बहन, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। आपके छोटे भाई या बहन होते हैं तो उनको आप कुछ भी बोलते हो तो वो बात मान लेते हैं, और इसको थोड़ा और छोटे भाई बहन क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ऐसा कुछ बताइए कि जिसको आपने समझाया और वो बिल्कुल मान गया एक ही बार में, कोई क्वेश्चन नहीं किया उसने। मम्मी, मम्मी से बोलना कि मम्मी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, चप्पल उठा के मारेंगी, समझ में आ रही है बात। नहीं बेटा गलत आंसर है,
डियर फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, हमारी बात मानते हैं छोटे बच्चे, कौन मानते हैं छोटे बच्चे, तो आपने जो छोटा भाई बहन बोला बिल्कुल ठीक बोला है। तो देखिए मैं एक बार फिर से लिंक करने जा रहा हूँ, छोट हमार मशीनेबिलिटी का मतलब है मेटल हमारी बात मान ले जैसा हम उसको काटना चाहे काट ले, और दोस्तों हमारी बात मानते हैं छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे को दोस्तों छोटे बच्चे के और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो बताइए मुझे, छोटे बच्चे के और क्या क्या नाम हो सकता है, छोटा बच्चा कोई है तो उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं जल्दी बताइए, रिप्लाई चाहिए मुझे आपका, छोटे बच्चे को और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो बात मानते हैं छोटे बच्चे, बिल्कुल ठीक बात है, छोटे बच्चे के और क्या क्या नाम हो सकते हैं जल्दी बताइए, रिप्लाई प्लीज फास्ट। तो मशीनेबिलिटी है बात मानना, बात मानते हैं छोटे बच्चे, छोटे बच्चे को और बेबी, बेबी ने हिंदी में बताइए बेटा, हिंदी में बताना है, बेबी बेबी नहीं बताना है, बाबू और बताइए, यस बिल्कुल ठीक, प्लीज गो अहेड और बताइए, छोटू और बताइए, छोटे बच्चों को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, गौरव कुमार भाई सब्सक्रिप्शन दिलवा दूंगा टेंशन मत लो, कॉल कर लेना अभी मुझे आधे घंटे इसके बाद। माय डियर फ्रेंड छोटे बच्चे को बोलते हैं शिशु, क्या बोलते हैं शिशु, ठीक है तो आज से याद रखेंगे अब फाइनली मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूँ, गोलू गुगलू सब छोड़ो, अब मशीनेबिलिटी का मतलब है मेटल को हम जैसा काटना चाहे वैसा वो कट जाए, मतलब मेटल हमारी बात मान ले और हमारी बात मानते हैं छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे को बोलते हैं शिशु, छोटे बच्चे को बोलते हैं शिशु, क्या बोलते हैं शिशु, छोटे बच्चे को बोलते हैं शिशु, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मशीनेबिलिटी का मतलब मेटल को हम बोले ऐसा कट जाए चुपचाप से वो कट जाए, यानी मेटल हमारी बात मान ले और हमारी बात मानते हैं छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे को बोलते हैं शिशु, तो दोस्तों ट्रिक बनेगी शिशु, क्या बनेगी शिशु, और शिशु कैसे होते हैं दोस्तों, शिशु मन से, मन से शिशु कैसे होते हैं, मन से शिशु होते हैं बछड़े, बछड़े मतलब काफ, तो ट्रिक याद कर लो, मन से शिशु काफ, मन से शिशु काफ, मन से शिशु काफ, क्या ट्रिक है, मन से शिशु काफ, ठीक है मन से शिशु काफ, ट्रिक याद कर लो, मन से शिशु काफ, मन का मतलब है मैग्नीज सिलेनियम सिलिकन सल्फर कैल्शियम फास्फोरस, खत्म बन गई ट्रिक, तो मन से शिशु काफ, मन से शिशु बछड़ा है, बछड़े को बोलते हैं काफ, तो ये हो गई आपकी ट्रिक, मन से शिशु काफ, मन से शिशु क्या है बछड़ा है, याद कर लो मन से शिशु काफ, मैंगनीज, मन का मतलब मैंगनीज, माइंड इट प्लीज, दीज आर नॉट द एक्चुअल सिंबल्स, इट्स जस्ट अ ट्रिक, अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर नॉट द एक्चुअल केमिकल सिंबल्स, इट्स जस्ट अ ट्रिक, मैगनीज सेलेनियम सिलिकन सल्फर कैल्शियम फॉस्फोरस, पीएच का मतलब फॉस्फोरस, पीएच का मतलब क्या है फॉस्फोरस, इनमें से ऑप्शन में एक जरूर होगा, तो मन से शिशु काफ, गौरव कुमार मुझे बेटा कॉल करो तुम अभी आफ्टर दिस वीडियो, नंबर मैं दे रहा हूं अपना 9897104566, कॉल करो सब कुछ समझा दूं बेटा कैसे क्या करना है, मन से शिशु काफ याद रखना, ऑप्शन में एक जरूर मिल जाएगा आपको, आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, जिस तरह से मैंने पूछा था कि भाई आपसे पूछा जाए मशीनेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा, तो एक बच्चे ने आंसर दिया सल्फर, अब सल्फर मान लो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से एक ऑप्शन में जरूर होगा, और बेटा इन ट्रिक्स को प्लीज लिखते जाना, बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको पूरे प्रोडक्शन में दूंगा और ये आपके बहुत काम में आने वाली है, ठीक है, तो मन से शिशु बछड़ा है, मन से शिशु काफ, मैं फिर बोल रहा हूं, दीज आर नॉट द एक्चुअल सिंबल्स, इट्स जस्ट अ ट्रिक, याद कर लो बस, शिशु याद से चालू होगा, शिशु शिशु कैसा है, मन से शिशु बछड़ा है, ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ में आया होगा आज का लेक्चर आपको, तो 2.5 घंटे ऑलमोस्ट हमें हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 2.5 घंटे नहीं पता चले होंगे, और चले हैं तो बता देना यार जो भी आपको लगता है, ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहा हूँ, होपफुली आपको समझ में आया होगा, आया है तो धड़ाधड़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, और भैया शेयर भी कर दिया करो यार, अपने यार दोस्तों को भी दिखाओ ताकि किसी का भला हो, ठीक है, चलिए बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो यू कैन यूज़ माई कोड हेयर, दिस इज माई पर्सनल रेफरल कोड GPS लाइव, इस कोड को डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताए थे,
हाँ यमन आपले रिफ्यूम विप किसी वाली ट्रिक मैंने सीआईएल के एग्जाम में बताई थी, याद है मुझे। रिफ्यूम विप किसी वाली ट्रिक सीआईएल के एग्जाम में बताई थी मैंने, बिल्कुल आपके काम में आएगी वो। रिफ्यूम विप भी थी, एफएम की ट्रिक है फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो दोस्तों जिन भी लोगों को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, आइए जुड़िए मुझसे, मेरा प्रॉमिस है, ना तो बोरियत होगी और सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि मज़ा आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बेस्ट है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, ये कभी नहीं बोलता मैं, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोल रहा मैं बेस्ट हूँ या क्या हूँ, बट हाँ ये मेरा प्रॉमिस है आपको, सब्जेक्ट कब खत्म हो जाएगा, कब पूरे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा कोड याद कर लो जीपीएस लाइव, और मुझे आप मेरे नंबर पर कॉल कर लेना। गौरव भाई आपने बोला था, अभी नंबर लिख लो मेरा, 9897104567 है। तो क्लास के जस्ट बाद कॉल करिएगा अभी, क्योंकि तो फिर बेटा मैं बिजी बिजी हो जाता हूँ। हरीश जांगड़ा अभी एफएम के लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, एक्चुअली मैंने रिसेंटली अनअकैडमी ज्वाइन किया है ना जनवरी से ही, तो अभी मेरा प्रोडक्शन और सॉन्ग का ही आपको मिलेगा, बट हाँ प्लस पे मैं धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्सनल फायदे होने वाले हैं आपको अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आते हैं, ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज में केवल एक ही टेस्ट सीरीज नहीं है, कई तरीके की है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसमें, मतलब उसमें सारे इंडिया के बच्चे टेस्ट देते हैं, वो अलग से है। प्लस मेरे जो पर्सनल बच्चे हैं उनका मैं वीकली टेस्ट अलग से लेता हूँ। पवन कुमार पटनायक यहाँ शायद मेरा बच्चा वीकली पढ़ रहा है, मुझसे पूछ लीजिए उससे आप। वीकली टेस्ट के अलावा एक मेगा टेस्ट होता है जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, इसके अलावा कुछ पर्सनल टेस्ट और लेता हूँ मैं आफ्टर द मॉड्यूल, ठीक? तो एक पर्सनल टेस्ट अलग से लेते हैं। तो डेफिनेटली आइए दोस्तों, फायदा है यार, मतलब कोई घाटे का सौदा नहीं है। जो बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, बेटा आप तो प्लीज़ आप तो आ ही जाओ, क्योंकि आप लोग पता है सिर्फ डिग्री ले रहे हो कॉलेज के अंदर, 10-12 लाख रुपए खर्च कर दो। कल भी मैंने समझाया था सिर्फ डिग्री लेने के लिए। तो दोस्तों अगर आप 10-12 लाख कॉलेज को दे सकते हो, तो 22,000 रुपये आप अनअकैडमी को दे के अच्छी नॉलेज भी ले सकते हो, जिससे आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी और प्लस आपके कॉलेज प्लेसमेंट में भी। क्योंकि आप क्या सोचते हो, कॉलेज में प्लेसमेंट में जो कंपनी आएगी वैसी ले जाएगी आपको कि हाँ भाई आ जा तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं, बेटा वो भी टेस्ट लेगी, है ना? तो टेस्ट की नॉलेज आपकी डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है? प्लेसमेंट की मतलब टेक्निकल स्किल्स आपके यहाँ पे बढ़ेंगे। इसके अलावा मैं अकेला नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप 30+ और भी एजुकेटर को यहाँ फॉलो कर सकते हो इसी सेम कोड से। तो कई सारे फायदे हैं दोस्तों, ठीक है? तो चलिए होपफुली सब कुछ सही रहा। बाकी हाँ एक चीज़ और, मेरी मेल आईडी भी नोट कर लो, जिसको मुझसे बात करनी हो मेरी मेल आईडी लिख ले, गौरव बाबू 2000@gmail.com। आप मुझे इस नंबर पर, इस ईमेल आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर दूँगा। बाकी जो बच्चे कभी कॉल लगाते हैं मुझे, मान लो मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ मैसेज छोड़ दिया करो, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप नहीं टेक्स्ट, क्योंकि व्हाट्सअप पे इतने मैसेज आते हैं कि आपका मैसेज कई बार बहुत नीचे चला जाता है। मान के चलो दिन भर में मुझे 2 घंटे में 100 मैसेज आ गए, तो आपका मैसेज बहुत नीचे चला जाता है कई बार व्हाट्सअप के लिए। इसलिए आप लोग क्या करिए, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दिया जी करिए कि गौरव सर आपसे बात करनी है, मैं खुद ही रिप्लाई कर दूंगा बेटा आपको, ठीक है जांगड़ा भाई? बाकी प्लीज़ हाँ वन मोर थिंग, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो अनअकेडमी का ऐप डाउनलोड करके स्पेशल क्लास देखना और चालू करो। मेरी स्पेशल क्लासेस पड़ी हुई हैं बेटा, ये क्लासेस भी फ्री होती हैं, इन क्लासेस को देखिए, आपको मज़ा ना आए तो बताइएगा, ठीक है? एक बार इनको देख के आइए, फ्री क्लासेस हैं ये भी, स्पेशल क्लासेस, इन स्पेशल क्लासेस को देखो एक बार, यू विल सी वॉट इज द डिफरेंस दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर कॉलेज एंड हेयर, यू विल सी द डिफरेंस। चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग, और सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं किया अभी तक, और इसके अलावा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है दोस्तों? और गेट और ईएसई इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आता है दोस्तों, खासतौर से इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। तो अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, डेफिनेटली आपको हम बहुत आगे ले जाएंगे। मेरा कोड याद रखेंगे जीपीएस लाइव। चलिए गाइस, टाटा, सी यू, बाय बाय, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।